અહીંયા રહ્યું દીપકભાઈ, અતિતભાઈ નું આવ્યું. રાજ પ્રતિબોધક પદ્મભૂષણ પૂજ્યપાદ આચાર્ય ભગવંત શ્રીમદ વિજય રત્ન સુંદર સુરીશ્વરજી મહારાજા પધાર રહે હે. નમો નિયંતાણમ નમો સિદ્ધાણુ નમો હિરિયાણમ નમો વજ્રાયાણમ નમો લોહે સંભાવણમ એસો પંચ નમુકારો બભાવપણાસન મંગળં ચુભેસી પડમં હવૈ મંગલમ નમો દુર્વાર રાગાદિ વૈરિવાર નિવારિને અર્ધે યોગીનાથાય મહાવીરાય તાયિને જય જગજીવ જોણી વ્યાણો જગગુરુ જગાનંદો જગનાહો જગબંધુ જય જગપિયામહો ભૈવમ જય સુવાણમ પભવો તિતરાણ અપચ્છિમો જય જય ગુરુલોગાણ જય મહાપા મહાવીરો ઓમકારમ બિંદુ સંયુક્તમ નિત્યમ ધ્યાયંતિ યોગિનઃ પામદમ મોક્ષદમ ચૈવ ઓમકારાય નમો નમઃ. જય ધર્ણેન્દ્ર નમંસિંહ ઔમાવૈ પમુવની સેવ્ય પાય ઓમ ક્લીં બ્રીં મા સિદ્ધિં કરેઉ શ્રી પાસ જગનાઓ. અજ્ઞાન તિમિરાંધાનામ જ્ઞાનાંજન શલાકયા નેત્રમુન્મીલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ. જય જિનેન્દ્ર. આજ કી ઇસ પાવન બેલા મેં આપ સભી કા સભી શ્રાવક શ્રાવિકાઓ કા સાધુ ભગવંતો ઔર સાધ્વીજી ભગવંતો કા ભી સ્વાગત હૈ ઔર ઉનકે ચરણો મેં વંદના. સર્વપ્રથમ પેજ ક્રમાંક 5 કી જો ભૂમિકા હૈ ઔર ઉસકે નીચે કા જો પદ હૈ उसे लेके और उसके बाद गुरुदेव. हम्म
पद ज्ञान प्रकाश में सारा विश्व निहार, तीर्थंकर प्रभु ने कहा ये संसार असार। अनंत दुखमय जगत भटके जीव अनंत, इसमें हेतु पाप है। पाप त्याग भव अंत, पाप प्रकार अपार है। मुख्य 18 पाप वर्णन आगम ग्रंथ संता। अनंत जन्मों में कभी कहां किए कितने, और अभी इस जन्म में यहां किए कितने। सब कुछ तू जाने प्रभु, तेरे आखड़ा कहने काले काम, दर पे तेरे आखड़ा कहने काले काम, दर पे तेरे आखड़ा कहने का। आगे का पद
वर्षों पहले सौराष्ट्र में आचार्य श्री जयसुंदर सूरी जी की वो टाइम दीक्षा थी बोटाद में, गुरुदेव के साथ विहार करते थे और एक गांव में जैनों के घर कम होने के नाते किसानों के घर गोचरी जाना हुआ। एक जगह में गोचरी गया, बज्जर की रोटी की विनंती की और विनंती करने वाले को मैंने इतना कहा बिना घी की रोटी लेना है। महाराज साहब, मैं बिना घी की रोटी जब भी खाता हूं मेरे पेट में दर्द होता है। मुझे लगा वो थोड़ा समझा नहीं। मैंने बोला, दोस्त बिना घी की रोटी तुझे खाने के लिए मैं नहीं कहता हूं, मुझे चाहिए। महाराज साहब, आपको मैंने बोला ना, मैं बिना घी की रोटी खाता हूं तो मुझे पेट में दर्द होता है। मुझे लगा ये क्या हो रहा है। दूसरी बार किया, तीसरी बार किया, जब नहीं समझा तब मुझे उसको कहना पड़ा कि तू समझता नहीं है, तुझे घी की रोटी खाना है, मुझे क्यों विरोध नहीं है, मगर बिना घी की रोटी तुझे मुझे देना है, समझता नहीं इतनी बात। और उसने कहा, महाराज साहब आप नहीं समझते मैं क्या कहना चाहता हूं। अभी लगा या तो वो पागल है या तो मैं पागल हूं। और तब शायद इस किसान की जो श्रद्धा थी वो आपकी भी है कि नहीं, आज चेक कर लेता हूं, अपने आप को ऑब्जर्व कर देना। महाराज साहब, मैं ये कहना चाहता हूं, आपने बिना घी की रोटी मांगी मगर मैंने जो कहा कि बिना घी की रोटी जब भी खाता हूं पेट में दर्द होता है, इनका महाराज साहब मैं वो कहना चाहता था, आप जैसे संत के मुंह से मैंने सुना है हम जो देते हैं अगले जन्म में वही मिलता है। महाराज साहब, आज बिना घी की रोटी दूं और अगले जन्म में बिना घी की रोटी मिले मुझे पेट में दर्द होता है, मैं आपको नहीं दे सकता। आज हमारी सिर्फ इतनी श्रद्धा है क्या, हम जो देंगे वही मेरे पास रिटर्न आएगा, यह श्रद्धा है। परमात्मा महावीर जी के शासन की बात नहीं, किसी की भी बात, मैं जो देता हूं वही आउटपुट में मुझे मिलने वाला है। तुमने देखा होगा होली के दिन में जो रंग खेलते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको, आप उसमें जो पानी भर के डालते हैं वो गंगा का या तो गटर का, सामने वाले पे ही जाता है, आप पर नहीं आता है। मगर फव्वारे में तुम पानी डालते हो ना, जो ऊपर जाता है कितना भी, मगर वो ही नीचे आएगा। मेरा और आपका जीवन ये नहीं है कि मैं सामने वाले को दूंगा वही मुझे मिलेगा, मैं जिसको देता वही आज नहीं तो कल मेरे सामने आएगा। परिग्रह परिमाण को लेकर आज बहुत बड़ी गंभीर बात आपसे करना चाहता हूँ, मैं क्लियर करना चाहता हूँ इस सभा में बैठने वाले को। आपके मन में कभी ये प्रश्न नहीं उठना चाहिए कि भगवान महावीर पैसे के विरोध में है, श्रावक कुल है, श्राविका का कुल है, बिना तुम्हारा पैसा एक कदम भी नहीं चलेगा। आई एग्री। इस सभा में आपको कोई भी प्रश्न पूछना तो पूछ सकते हो, सब्जेक्ट रिलेटेड। मैं इतना मेरे लिए मैं कहना चाहता हूँ, वी आर लिविंग विथ बॉडी नॉट फॉर बॉडी। रिपीट, वी आर लिविंग विथ बॉडी नॉट फॉर बॉडी। मैं दीक्षा लेने के लिए गया मगर गुरुदेव ने मुझे सबसे पहला मेरा वैराग्य चेक नहीं किया, मेरा बॉडी चेक किया। दैट मीन्स पैर चलेगा, आँख देख पाएगी, मन सोच पाएगा, जबान बोल पाएगी, पेट में खुराक जा पाएगा। यदि ये तेरा स्वास्थ्य नहीं है तो तेरा वैराग्य कितना भी जबरदस्त है मैं तुझे दीक्षा नहीं दे सकता हूँ। वैराग्य और वात्सल्य होने के बावजूद यदि मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता निश्चित तौर से मुझे दीक्षा, आप बोलो 17 साल का बेटा पैरालिसिस होगा दीक्षा का भाव होगा देंगे कोई नहीं, ब्लाइंड होगा दीक्षा देंगे नहीं, नहीं सुन पाएगा दीक्षा देंगे नहीं। माने दीक्षा लेने के लिए वैराग्य वात्सल्य कितना भी जबरदस्त चाहिए मगर यदि शरीर का स्वास्थ्य अच्छा ना हो तो दीक्षा नहीं मिलती है। बराबर है। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ, वी आर लिविंग विथ बॉडी नॉट फॉर बॉडी। माने पूरे दिन भर तक आपसे भी ज्यादा शरीर को मैं संभालता हूँ मगर शरीर के लिए मेरा जीवन नहीं है, मेरा शरीर संयम के लिए है। रिपीट, वी आर लिविंग विथ बॉडी नॉट फॉर बॉडी। फॉर में क्या आता है, फॉर में संयम।
विथ माई बॉडी। ओके इट्स क्लियर। अभी मैं आगे चलना चाहता हूँ, आपसे मुझे एक प्रश्न पूछना चाहता है। वी आर लिविंग विथ बॉडी नॉट फॉर बॉडी। आप दावा के साथ कह सकते हो वी आर लिविंग विथ मनी नॉट फॉर मनी। आज के परिग्रह परिमाण का रूट यहां से शुरू होगा। आप इतना यदि दावा के साथ बोल सकते हो गुरुदेव वी आर लिविंग विथ मनी नॉट फॉर मनी, आप यदि बोलो तो मुझे आनंद आएगा। आपकी मानसिकता विथ और फॉर के बीच में मालूम फर्क का है, मालूम है? एक फर्क, सुबह से लेकर के शाम तक पूरे दिन भर तक मुझे शरीर याद नहीं आता है। रिपीट, गुचरी का टाइम होता है शरीर याद आता है, यूरिन में जाता है तब आ जाता है, रात को नींद में आ जाता है। मगर स्वाध्याय परमात्मा की भक्ति, अभी प्रवचन करता हूँ, शरीर एक बाजू है, एक बाजू बराबर है। वीत का अर्थ ये है, फोर का और वीत में फर्क इतना है, शरीर के साथ मेरा जीवन है मगर 24 घंटे मेरे मन में संयम है। रिपीट, शरीर है मगर शरीर इतना नहीं है जितना संयम है। आप इतना बोल सकते हो कि गुरुदेव 24 घंटे पैसे की सोच नहीं चलती है, मंदिर में पैसा याद नहीं आएगा गारंटी, बाथरूम में पैसा याद नहीं आएगा गारंटी, लेटरिन जाते हो पैसा याद नहीं आएगा गारंटी। आप बोल सकते हो समेत शिखर की यात्रा पे निकलेंगे पैसा याद नहीं आएगा गारंटी। आई वुड लाइक टू आंसर फ्रॉम यू, मेरा जीवन शरीर से चलता है मगर शरीर 24 घंटे मुझे याद नहीं है। आपका जीवन पैसे से चलता है, पैसा कहाँ याद नहीं आता आपको? चाहे कितना भी प्रवचन चलता है, प्रवचन के बीच में चिट्ठी आ जाए पैसे को लेकर के, मे बी पॉसिबल मेरा प्रवचन ड्रॉप करके तुम निकल सकते हो। आज मैं आपसे भी महेंद्र भाई कुछ समझना चाहता हूं कि इतना पैसे का नशा आपके पास क्यों है? नहीं मुझे बताओ, हम टोटली कंसेप्ट आपका भगवान महावीर के वचन के नाम से मैं क्लियर करना चाहता हूँ। वी आर लिविंग विथ मनी नॉट फॉर मनी, बस इतना बोल दो। नहीं बोलो, मुझे आपसे मैं पूछना चाहता हूँ एक बार। हमारे पास 5 प्रकार का स्वाध्याय है, उसमें नंबर 1 वाचना, नंबर 2 पूछना, माने यू आस्क क्वेश्चन, माना सब ये पैसे के लिए आप इतनी बात करते हो, हमारा तो पूरा जीवन उसको लेकर ही तो चलता है। इनका भी मैं विरोध नहीं करना चाहता हूँ मगर व्हाट इज द रीजन 24 घंटे पैसे क्यों, हर जगह हर समय? बाप नंबर 2 पे, माँ नंबर 2 पे, भगवान नंबर 2 पे, गुरु नंबर 2 पे, पत्नी नंबर 2 पे, पैसा 1 नंबर पे पैसा, वो क्या लेकर के तुम बैठे हो? आई वुड लाइक द रीजन फ्रॉम यू व्हाट इज द पर्पस। देश क्या है? नहीं मुझे बोलो, आप मेरे मेरे सामने आ जाओ कि गुरुदेव क्या लेकर के तुम बैठे हो, मैं तो इतना बताओ ना। मैं कुछ नहीं कहता हूं, वीथ और फोर के बीच में तुम फर्क समझ लो। आप इतना तय कर सकते हो गुरुदेव 10 बजे के पहले मैं पैसे के लिए कोई बात नहीं सोचूंगा, नहीं करूंगा, नॉट बिफोर 10 o'clock। सुबह गुरुदेव मेरी पर्सनल लाइफ है, मेरी प्राइवेट लाइफ है, मेरी रिलीजन लाइफ है, मेरी फैमिली लाइफ है, सब कुछ को संभालने के बाद फिर पैसे की बात करूंगा। आफ्टर 6 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock कभी भी पैसे की बात, अभी नहीं। रात को 12 बजे लकड़ा लेने के लिए घूमने वाला मम्मन सेठ हो सकता है, वो पैसे के लिए भाग रहा था। रात को 12 बजे भी नदी में तैर करके लकड़े लेने के लिए मम्मन जा सकता है, रात को 12 बजे भी तुम बिजनेस के लिए भाग सकते हो। फॉर व्हाट? कम पैसे तुम्हारे के लिए, रात को नींद छोड़कर तुम भाग जाते हो। आज मैं वो एग्जाम्पल देना चाहता हूं आपके सामने, मगर पहले ये कंसेप्ट लिया परिग्रह परिमाण। अध्यात्म के क्षेत्र में तुम्हारा प्रवेश होता तो मैं बताऊं, हर पाप के उदय को भगवान ने हा बोलने की कही है बात। कर्म ग्रंथ की बात करूं, आपका डेप्थ में न भी हो तो भी थोड़ा ऊपर से भी कहूं, पाप के उदय को स्वीकार करने की बात भगवान ने बताई है। दुख आवे स्वीकार कर ले,
चाहे कुछ भी वो बिजनेस में लॉस हो स्वीकार कर ले, पांचवें नंबर का परिग्रह परिमाण ऐसा है पुण्य के उदय को रोकने की बात है। रिपीट, पाप के उदय को रोकने की बात हर जगह है, परिग्रह परिमाण पुण्य के उदय पर है। 5 करोड़ रुपया आश्रद्धा गुरुदेव करोड़ से ज्यादा नहीं चाहिए, रोको। पुण्य ना उदय ने अटकावनी बात है, भगवान शासन की आगमी विशेषता है। आज जो भी आए माता बहन सबको मैं पूछना चाहता हूं, ये क्या आपके अर्पण क्या है? तुम इतने पैसे के पीछे दौड़ते हो, कोई विरोध नहीं करना चाहता हूं, आपको मालूम नहीं देवल मार्गानुसारी के 35 गुण में सबसे प्रथम नंबर का गुण पैसे का लिखा है, पैसा। नंबर 1 न्याय संपन्न विभव, पैसा आपके लिए फर्स्ट नंबर का स्टेज पैसा है, इनके बिना संसार जीवन तो नहीं चलता है। और रिपीट करूं, साधना के लिए शरीर चाहिए, समाधि के लिए पैसा चाहिए। हमारी शरीर की रिक्वायरमेंट साधना के लिए, तुम्हारी पैसे की रिक्वायरमेंट समाधि के लिए। गुरुदेव समाधि कैसी बने लेगी? यदि रोटी सब्जी चावल का पैसा ही नहीं होगा तो गुरुदेव न मेरी समाधि न मेरे परिवार की समाधि क्या करेंगे? मैं बीमार पड़ा, मेरे बेटे का क्या होगा? मेरे बेटे के एजुकेशन का क्या होगा? मैं कहीं विरोध नहीं करना चाहता हूँ, आपसे सिर्फ इतना पूछ के मैं आगे चलना चाहता हूँ, पैसे को 24 घंटे स्थान देने के पीछे राज किया। लगना और होना अलग बात है। और अब बताओ ना, कहां पैसा सर्वस्व माने कहां? आप ऐसे बोलो मत, किसकी सुनी सुना मत बोलो, यू गिव मी लॉजिक, सर्वस्व माने क्या? मैं चीप बात नहीं करना चाहता हूं, डेप में बात करना चाहता हूं आपसे। आपके पास यदि 3 चीज पैसे बढ़ने के बाद भी है, आप मुझे हाँ बोल देना। आज हम व्रत में जाने चाहते हैं, आपके पास पैसा बढ़ने के बाद 3 चीज आपने यदि बचाई रखी है तो मुझे हाँ बोल देना। नंबर 1, पैसा बढ़ने के बाद आपका प्रेम बढ़ते चला, 1 नंबर में हाँ बोल दो। गुरुदेव बहुत कम प्रेम था जगत के जीवों के प्रति, मगर जैसे पैसा बढ़ते चला मेरा प्रेम स्प्रेड होते चला। आप नंबर 1 पे मुझे हाँ बोलो कि पैसा बढ़ने के बाद आज तक मेरे परिवार पर मेरा प्रेम था, अभी बाजू वाले पे गुरुदेव इतना बढ़ गया प्रेम कि जिनका कोई हिसाब नहीं, आप बोलो। महेंद्र भाई क्या? ओके, मैं बहुत क्लेरिफिकेशन नहीं करूंगा, पैसा बढ़ने के बाद आपका प्रेम बढ़ा तो वे नहीं। नंबर 2, आपकी पवित्रता बढ़ी क्या? जो आपके जीवन में गलत स्थान था ही नहीं, आपने कभी सोचा नहीं था मैं ये गंदगी में प्रवेश कर सकता हूं, मगर पैसा बढ़ने के बाद तुम मेरे जीवन में हर गंदगी यदि आती है या तो दिमाग में वो गंदगी आती है, यू आर फेल। नंबर 1, पैसा बढ़ने के बाद प्रेम बढ़ा तो कि नहीं, पवित्रता बढ़ी नहीं। नंबर 3, प्रसन्नता बढ़ी क्या? पैसा बढ़ने के बाद आपकी हैप्पीनेस में बहुत इंडेक्स ऊपर गया क्या? यदि प्रेम नहीं बढ़ा, यदि पवित्रता नहीं बढ़ी, यदि प्रसन्नता भी नहीं बढ़ी। नंबर 4, पैसा बढ़ने के बाद आपका पुण्य बढ़ते चला गया। गुरुदेव पैसा नहीं था तब तक चैरिटी बहुत कम कर सकता था, पैसा बढ़ने के बाद गुरुदेव अनप सनप चैरिटी करते चलता हूं, इतना पैसा कमाल हो गई। जो मांगे कभी किसको ना नहीं बोलता, गुरुदेव पहले हाथ सिकुड़ जाता था, हाथ खुला कर दिया मैंने। पैसा बढ़ने के बाद पुण्य बढ़ा, पवित्रता बढ़ी, प्रसन्नता बढ़ी, प्रेम बढ़ा और परमात्मा के नजदीक आने का हुआ क्या? 5 चीज आप बता दो। एक्सेस मनी होने के बाद और अभी भी आप एक्सेस में भागते हो, दिन के बाद आप बता दोगी ये हमारे क्या धैर्य सुंदरी है,
ये हमारे सभी में इनका कहाँ कहाँ प्रसंग नहीं बताना चाहता हूँ। भरतपुर जिला में वीआर करते जा रहे थे, आपने मुझे पत्र में लिखा था वो प्रसंग, जिस गांव में हमारा सब का प्रवेश हुआ वो गांव में एक बहन ने गौली करके महाराज साहब को स्वागत किया, महाराज साहब बाजारी मेरे गांव में आपका स्वागत है। जाने के बाद अंदर गए तो अंदर एक भाई आए, महाराज साहब आप आए हो तो प्रवचन रखना है, कर कब रखेंगे? कल। वो थे श्री संघ के प्रमुख, जिसने विनंती की वो संघ के प्रमुख थे। और जिस बहन ने गौली की थी, गौली स्वस्तिक, वो प्रमुख का धर्म, प्रमुख की धर्म पत्नी थी। इतना शालीन विवाह जयेश। और कल का प्रवचन रखा था, दोपहर का समय शायद होगा, और सुबह महाराज साहब प्रतीक मन करके उठे, तब पुजारी ने वो समाचार दिया, महाराज साहब कल आपको जिसने प्रवचन की विनती की थी इसी संघ के प्रमुख ने, इनको रात को 12 बजे मर्डर हो गया। वहां तक तो यदि हम सहन कर सकते थे, ये समाचार रात को 12 बजे मर्डर हो गया कि किसने किया, समाचार मिला, हाँ वही जिसने गौणी की थी उनकी कर्म पत्नी ने। कारण पैसा, अपने बेटे के साथ लकड़ी लेकर के मां टूट पड़ी अपने पति पर सिर्फ पैसे के लिए। तुम ये बोलते हमारे से पैसा सुरक्षा देगा, सर्वस्व है। एक लड़के से बाप का खून करवाता है, पत्नी से मर्डर करवाता है। मैं दिल्ली में था, एक लड़के ने अपने बाप की मर्डर के लिए 5 करोड़ की सुपारी दी थी। प्रेम बड़ा तुम्हारा, पैसा नहीं होगा तो हमारे से क्या करेंगे? ये हुआ तो मेरे साथ। जे पैसा पुण्य प्रेम पवित्रता प्रसन्नता ने परमात्मा बधु खेची ले, ये पैसा ने शू करव तुम्हारे? कैंसर में समाधि कोण आपसे? रोग आवशे तारे तमारो चेहरो हफ्तो कोण राखशे? मौत आवे तारे मर्दान की पूर्वक केवी रीते रवाना थशे? मैं आपको चैलेंज करता हूं आज आपके सामने, जिंदगी में तुमने जो कुछ भी पाया इस टेबल पे रखो, मौत और रोग में तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान रख दे, रखो तुम्हारी ताकत है। आपके शरीर में जब रोग आएगा, जब जीवन समाप्ति की ओर जाएगा, मौत और रोग, वो टाइम आपके चेहरे पे मुस्कान बनाए रखो, ऐसी कोई चीज तुमने पाई रखो। यहां तुम मुझे ये बोलते, हम सबको ये बोलते हमारा सब बिना पैसा नहीं जिंदा, पैसा तो चाहिए, पैसा तो ये है, विरोध नहीं है। कितने लोगों को 55 साल के दीक्षा जीवन में मिला हूं, इनका इंटीरियर जीवन जो है तो लगा है भगवान ये पैसा। और सच बताऊं मैं आपको, आपको तो ये संग नया है, मगर ऐसे लोगों को पैसे जब मैंने देखा ना, तो मैंने भगवान से विनती की, भगवान अगले जन्म में भिखारी रखना, मर गए इन लोगों जैसा पुण्य तो कभी मत देना। जब बाप के साथ बैठने का समय नहीं, अपने बेटे के साथ बैठने का समय नहीं है, भगवान के मंदिर में दर्शन नहीं करते गुरुदेव, टाइम नहीं है, बिजनेस अभी जबरदस्त चल रहा है, प्रवचन टाइम नहीं है, तेरी माँ के पास टाइम नहीं है, मेरे बाप के पास नहीं, किसी के पास बैठने का टाइम है। रोज नई लड़की के साथ सोने वाले ग्राहक के साथ बाइंग करने, इनको होटल में मिलने का तुम्हारे पर टाइम है। अरे दारू पीता है, व्यभिचार करता है, गुरुदेव 2 करोड़ मिलता है इनसे, तेरी माँ से तो मिल। तुमने कितना कमाया पैसे के पीछे एक्सेस के बाद? व्हाट इज द पॉइजन? एनीथिंग इन एक्सेस इज पॉइजन। व्हाट इज द पॉइजन? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉइजन? एनीथिंग इन एक्सेस इज पॉइजन। देयर इज नो लिमिटेशन। 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, जाना है कहां तुम्हें? अने मारी तुमने खुली चैलेंज, रोग अने मौत वक्ते तमारा चेहरानी प्रसन्नता टकावी रखे, अने तमारी समाधि टकावी रखे, एवी कोई चीज तमे मेळवी हो तो मूको अमारी सामे।
आपके साथ कोई आंसर है तो बताओ। महेंद्र भाई क्या कहना है? परलोक नहीं बात तो जी मैं करी पढ़ने दिया, समझे नहीं, इसमें परलोक का आया नहीं। क्या आप मर के कहाँ जाएंगे वो तो बात आपके सामने मैं ही रखना चाहता हूँ। इन दिस लाइफ एट प्रेजेंट विच यू आर लिविंग नाउ, और उनके बीच में तुम्हारी अनुभूति बोलो गुरुदेव, प्रसन्नता बढ़ती है, प्रेम बढ़ता है, पवित्रता बढ़ती है, भगवान के साथ दोस्ती जमती है, और हमने पुण्य का चैरिटी का काम बढ़ा दिया है, बस इतना बोलो। चाहे आप परलोक को नहीं भी मानते हो, गुरुदेव वी डोंट बिलीव इन नेक्स्ट बर्थ, ओके हम नास्तिक है, ओके, मगर इतना तो बोल दे कि पैसा बढ़ने के बाद सबके प्रति मेरा प्रेम बढ़ा, वो तो आस्तिक है ना, उसमें तो कोई फर्क नहीं, तेरी आंखों के सामने दिखाई पड़ता है। तो मेरे मन में ये बात आ गई, साधु पैसे के खिलाफ है, तुम ये बोलो ये हम इनकी बात तो मेरे सामने करना चाहते हैं। मैंने पहले भी बोला था आज भी बोलूं, दौड़ता था तेरे लागतू देवों के महाराज वो कोई समर्थ न थी, दौड़ता था तेरे लागतू देवों के महाराज वो कोई समर्थ न थी, जे शांत पड़ी ने बैठा ने जो तेरे खबर पड़ी जे दौड़ा एनो कोई अर्थ न थी। 60 साल 70 साल 80 साल की जिंदगी में आप पीछे मुड़ के देखेंगे तब आंख में से खून के आंसू निकलेंगे, नो रोइ नो पॉइंट ऑफ रिटर्न, यू विल नॉट कम बैक एट ऑल, समय गया सो गया। आप आपकी आंखों के सामने रखेंगे 500 करोड़ की एफडी और फोर्स्टेट का कैंसर, गुरुदेव क्या करूं। और तीन बात बताऊं, ये तो पांच, ये तो छोड़ो, पैसे बढ़ने के बाद आपकी दुश्मनी बढ़ी है, प्रेम तो छोड़ो, पैसे बढ़ने के बाद आपकी दुश्मनी बढ़ी नंबर एक, आपके दोष बढ़े नंबर दो, दोष जो आपके जीवन में कोई अनिष्ट था नहीं वो सब अनिष्ट पैसे के पास आया, वो व्यभिचार नहीं था, वो वाइन नहीं था, गुंडागिर्दी नहीं थी, गाली गलौज नहीं था, वो सब आया। नंबर एक पैसे बढ़ने के बाद दुश्मनी बढ़ी, नंबर दोष बढ़े, नंबर तीन दुर्बुद्धि बढ़ी, मानसिक सोच डिस्टर्ब हो गई तुम्हारी, जो पैसा ने दुश्मनी बढ़ाई मेरे जीवन में दोष बढ़ाया, मेरे जीवन में दुर्बुद्धि बढ़ाई और दुर्बुद्धि के हिसाब से मेरे जीवन में दुख बढ़ाए। तुम सुख के लिए पैसे के पीछे भागे, चार चीज का आउटपुट पैसे ने दिया तुम्हें, दुश्मनी दुर्बुद्धि दोष और दुख, और अभी बोलते कि गुरुदेव पैसा चाहिए और चाहिए, मुझे करो चैलेंज, मैं परलोक की बात अभी नहीं करना चाहता, तो मुझे चैलेंज करो कि गुरुदेव आप गलत हो। इतनी बड़ी सभा शांत क्यों है, मुझे करो ना चैलेंज, तुम्हारी ताकत है, पांच और चार, पुण्य प्रेम पवित्रता प्रसन्नता और परमात्मा, ये पांच चीज तुमने कम कर दी, दुश्मनी दुख दुर्बुद्धि और दोष, ये चार बढ़ गया, पांच और चार दो जवाब तुम्हारी औकात है। तो अध्यात्म जगत की क्या हुआ, एनी क्वेश्चन एनी आंसर एनी डाउट, मे बी पॉसिबल मंडप के बाहर जाके तू मेरी वक्तव्य की कमेंट कर सकते हो, कोई फर्क मुझे नहीं पड़ता है। क्या महाराज साहब पैसे के लेके, कई लोग तो ऐसे बोलते हैं महाराज साहब को भी पैसे का काम पड़ता है, हाँ बोलने वाले को तो हम रोक नहीं पाते, तुम ये भी तो बोलते हो कि महाराज साहब ये मंडप पैसे भी ना बनता है, मुझे बोलते हाँ हाँ महाराज साहब ये पैसा भी ना मंडप बनते हो, खाली इतना पूछ लो, अच्छा बोलो पैसा दी बनो बात ना जी, पैसा दी राखवा दी बनो कि छोड़वा दी बनो, भाई ये तो बोलो बस, तो हमें आगर के को केवल नहीं कहीं। मैंने किताब लिखी थी कहीं रुको कभी रुको, कहीं रुको माने ऑन द एज ऑफ 40 45 50 55 60 65, बस दैट्स ऑल। अब महाराज साहब पे गिरे भी दौड़ना नहीं है,
जिंदगी के 70 साल निकाल दिए गुरुदेव, बस इनफ। और कभी रुको इसमें एज, और कहीं रुको माने फिगर, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़, दैट्स ऑल। या तो उम्र में रुक जाऊंगा, या तो संपत्ति में रुक जाऊंगा, ऑन द एज या तो ऑन द मनी। कहीं रुको या तो कभी रुको, कहीं भी नहीं रुकेंगे, कभी भी नहीं रुकेंगे तो फिर करेंगे क्या? अटली मुटली जमा में एक बचाव की बात ना भी हो तो करो ना, मैंने गमसे हूँ जॉब आपीश, तोड़ी नहीं पड़ू। सुविधा का कोई विरोध नहीं, संपत्ति से सुविधा मिलती है उनका मुझे कोई फर्क नहीं, कोई विरोध नहीं, मैं एक्सेप्ट। बारिश होती है और छाता उगता तो सुविधा मिलेगी, पैसे से छाता तुम ला सकते हो। कोरोना आ गया, हॉस्पिटल मिली, कोई पैसा था तो मिल गई, ओके। मैं सुविधा की ना नहीं बोलता हूँ, सुरक्षा कहाँ है? सुविधा बराबर है, सुरक्षा कहाँ है? पैसे से अच्छी हॉस्पिटल मिल गई मतलब मौत नहीं आई, ऐसा तो नहीं हुआ ना? आई एग्रीड, फैसिलिटी हर चीज पैसे से मिलती है, एग्रीड। और प्रोटेक्शन, मजा आवे तुम्हारी समय प्रवचन करवानी। शू क्या नोटबंदी थी तेरे के करी थी बधु हरकू? और छोड़ो नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की, इनकी बात छोड़ो, मैं भूकंप में जाके आया। जिस टाइम 2000 की साल में भूकंप आया था शायद, वो टाइम में पाकिस्तान की बॉर्डर कर बिहार करके आया। मैंने जो देखा है ना, तुम्हारी औकात नहीं है, तुमने सिर्फ पेपर में पढ़ा होगा, मैं सब कुछ देख के आया। क्या करोड़ों का डोनेशन दिया था उस रास्ते पे, छावनी में वो भोजन कर रहे थे और वो मेरे पास मिलने के लिए, महाराज साहब सब गया, सब गया, लाखों रुपया बचाए थे उन सभी के बचाव में, ये सब एक भूकंप के झटके ने सब खत्म कर दिया। और एक बात, यहाँ पर पैसा बचेगा, पैसा बचेगा का पुण्य पैसे को बचाएगा? रिपीट करो, कौन बचेगा? पैसा की पुण्य और सिक्योर है तुम्हारा भविष्य। चलो भविष्य की बात ना, एग्री, कितना चाहिए? राकेश कोई जवाब? मैं आगे चलना चाहता हूं, सीधे सरेंडर। साचु बोला तुम्हें हमारी बात स्वीकारी माटे बोलता नहीं कि हाँ मैं हामी बोली सकता नहीं माटे नहीं बोलता है। दरेक क्षेत्र में आप अगर पैसे व्याख्यान चले जाकू तारी पहली बात नो विरोध, दरेक क्षेत्र में पैसों जे वगर पैसे व्याख्यान चले। परिवार को 50 करोड़ का मंदिर में 1 रुपया लिए बिना तुम्हें दर्शन करने का मौका मिलता है। ये जो मैं प्रवचन करता हूँ ऐसे मोटिवेशनल लेक्चर में तुम बेवकूफ़ बन के जा रहे हो, बेवकूफ़ बनते हो। वो मोटिवेशनल लेक्चर में तुम जाते हो 15,000, 20,000, 25,000 दे करके, और वह तुम ताली बजाते हो बहुत अच्छी रहेगी। वो मोटिवेशनल वाले को बोलो कि तू बिना पैसा काम करते कि पैसा लेके काम करता है। एक मोटिवेशनल लेक्चर में तुम 25,000 दे के तुम जा रहे हो, वो खुद पैसा ले रहा है और पैसे के खिलाफ बोल रहा है। मुनि की ताकत है, एक पैसा रखे बिना पैसा के खिलाफ बोलता है और प्रूव करके दिखाता है। इतना भव्यतम परमात्मा के वचन की डिलीवरी कभी मैंने चार्ज लिया? मंदिर में जाने का चार्ज लिया? चलो आमिल खाता में जमानो चार्ज छे, पाठशाला में जमानो चार्ज छे, स्वामी वात्सल्यनो चार्ज छे। आगलू जन्म तमारो एटलो टॉप थाय ना, एटला बधा पुण्य, एटला बधा पुण्य। मंदिर में जाओ पुण्य बांधो, प्रवचन में जाओ पुण्य बांधो, आंबेल करो पुण्य बांधो, पाठशाला में जाओ पुण्य बांधो, अंजन शालका में पुण्य बांधो, बदे जाओ, आटलू तमारू परलोक नु पुण्य बांधवा माटे जैन शासने 1 रुपया नो चार्ज राख्यो नथी। तमे एम कहो पैसा विना धर्म नथी थतो, पाप नथी थता पैसा विना, धर्म तो बधो वगर पैसे थाय छे। जाओ अटल में वगर पैसे, जाओ छेटा में वगर पैसे, जाओ जैने देखाड़ो। रुपया देवा पड़े होटल में, फाइव स्टार होटल में, रे राम भरोसे हिंदू होटल में जाओ तो 10 रुपया देवा पड़े, अहिया 10 करोड़
99 કરોડનું મંદિર ધનાપુર વાળે રાણકપુર બાંધ્યું, લીધો રૂપિયો કોઈએ? તે ચીન શાસન કી તાકાત મે ભી પોસિબલ 500 ગઢ કા માલિક પ્રવચન મેં લાસ્ટ બેઠા હો ઓર ઝોપડપટ્ટી મેં રહેના વાલા શ્રાવક આગે બેઠા હો, મેને કભી ખડા કર દિયા કિસકો? ये लाइन में यही रहेगा 500 करोड़ का मालिक बाकी? कभी बोला मैंने? कोई साधु ने बोला आओ कभी भी आओ 500 करोड़ का मालिक एक झुपड़पट्टी में रहने वाले साधर्मी के साथ, वो साधर्मी वात्सल्य में बाजू में बैठ के भोजन करता है, तुमने बिठाया तो मेरे घर में झुपड़पट्टी वाले को? एक छोटी सी बात करके इस परिग्रह परिमाण को मैं विराम देता हूं, घंटों भर प्रवचन में कर सकता हूं। नड़िया था कंटो को जहां खूब एड़ी ने, नड़िया था कंटो को जहां खूब एड़ी ने, एड़ी ले पैर। अब जिस रास्ते पे चलते थे उसी रास्ते पे कांटे बहुत थे और कांटे डिस्टर्ब कर दिया आपको। नड़िया था कंटो को जहां खूब एड़ी ने, परिपाची पगड़ी में एच केड़ी ने। नड़िया ता कंटो को जहां खूब एड़ी ने, फरी पाची पकड़ी में एच केड़ी ने। मथे छे कौन जाने सिद्ध शू करवा, मथे छे कौन जाने सिद्ध शू करवा, सतत ए राग एनो एज आलापी ने। जे केड़ी ए कांटा भाग्या एज केड़ी तमे चालवा माटे पसंद करी, खबर नथी पड़ती भगवान हूँ शू प्रूव करवा मांगू, शू प्रूव करवा मांगू? જે પૈસા એ મને ભગવાન આપથી દૂર કર્યા, ગુરુથી દૂર કર્યા, મારા મા બાપથી દૂર કર્યા, એ જ પૈસા મારે હજી જોઈએ છે? જે પૈસા મેં દેરાસર છોડ્યું, જે પૈસા મેં પ્રવચનો છોડ્યા, જે પૈસા મેં ગુરુદેવ છોડ્યા, અને હજી મારે એક પૈસા પર જો દોડવું છે એનું એ જ इतना करुण दृष्टांत देख सकता हूं, आपका रोंगटे खड़े हो जाए इस पैसे के पास से। समय की मर्यादा है, मेरा प्रवचन में करता हूं, मेरे शरीर को भी संभालता हूं, इनके पीछे पांच गोल पक्के हैं, पांच पुण्य प्रेम पवित्रता प्रसन्नता और परमात्मा कभी दूर नहीं होने चाहिए। आप इतना कर सकते हो मुकेश? मालूम इतना कर सकते? मेरा सेफी में ऑपरेशन था पथरी का, डॉक्टर गौरांग भाई वन गुड नेम आपकी दुनिया में, इनका बहुत बड़ा नाम। और मेरे पास जब बैठे थे तब आपने मुझे बता दिया, हमारा साहब ये तो है, ये पब्लिसिटी, ये ख्याति, पब्लिक की डिमांड, दो दो महीने के पहले हमारा साहब मैं टाइम नहीं दे सकता हूँ, इतना इतना काम रहता है। मगर गुरुदेव काम मैंने रखा है, हॉस्पिटल में आने के पहले मम्मी पापा मेरे भाई के वहाँ रहते, और गुरुदेव सीधा वहाँ जाता हूँ मम्मी पापा के पास, एग्जैक्ट 9:05 में पहुँच जाता हूँ, 9:00 मम्मी पापा के पास, दरवाज़ा बंद करके बैठ जाता हूँ, गुरुदेव मोबाइल एक और रख देता हूँ। इतना ख्याति वाला डॉक्टर होने के बावजूद मोबाइल एक और, 9 से 10 पापा और मम्मी के साथ बस फुल टाइम निकालता हूँ, फिर 10 बजे के बाद गुरुदेव हॉस्पिटल आता हूँ। ये तो मेरे पास ये शेड्यूल, भगवान नंबर एक पे, गुरु नंबर दो पे, माँ बाप नंबर तीन पे, पत्नी नंबर, गुरु माँ बाप बेटा नंबर, आगे चालू। पर तमने कही दू, अधिक पैसा नहीं काढ़ता, तमें शू गुमाव्यू एनो एक लिस्ट खाली तमें सांभळी लो। एक्सेस मनी के पीछे तुमने नंबर एक गुरुदेव को समय कम दिया, नंबर एक, नंबर दो भगवान के पास कम जाना हुआ, इससे भी आगे निकले तो आपके पिताजी के पास आपकी माँ, नंबर चार, नंबर एक गुरु, नंबर दो भगवान, नंबर तीन, नंबर चार माँ बाप, नंबर चार आपकी खुद की पत्नी, नंबर छः आपके खुद के बेटे, छः फिर आपकी खुद की भूख, फिर आपकी खुद की नींद, फिर आपकी खुद की प्रसन्नता, फिर आपकी खुद की समाधि, और फिर आपका परलोक। 9 चीजनू बलिदान आपने तमें जो करोड़ों रुपया कमा दो तो मारे कहीं कहवानू नहीं बची। भगवान, गुरु, माँ बाप, पत्नी, बाळक, भूख, ऊंघ, शांति, पवित्रता, प्रसन्नता, सद्बुद्धि, परलोक बद्दल छोड़ी दो,
पैसा चाहिए गुरुदेव, एंड यू आर नॉट सक्सेस मैन इन अहमदाबाद। If you can come back, सिर्फ पांच बात करूंगा फिर हम जाएंगे आगे। आप पैसा नहीं पा सकते, मैं मैंने पांच जितना जवाब आप जो तुम्हारी पर्सनल लाइफ, तुम्हारी प्राइवेट लाइफ, तुम्हारी फैमिली लाइफ, तुम्हारी सोशल लाइफ और तुम्हारी स्पिरिचुअल लाइफ। What about these five lives? मैं इतना प्रवचन करने के बावजूद मेरी पर्सनल प्राइवेट लाइफ है ये, मैं ना बोल देता हूँ, अभी मुझे डिस्टर्ब मत करना। मेरी फैमिली लाइफ, आई मीट ट्वाइस इन ए डे टू माय ऑल फैमिली मेंबर्स। रोज मेरे साधु को मैं दो बार मिलता हूँ, और मेरा साधु कोई कभी भी मेरे पास आ सकता है, चाहे 500 करोड़ का मालिक बैठा हो, नंबर दो पे टॉप प्रायोरिटी मैं इनको देता हूँ। दिस इज माय सोशल लाइफ, आप सबके बीच में आ चुका हूँ, जब भी मौका मिलता है प्रवचन करता हूँ, जो भी मेरी जिम्मेदारी है। एक जैन शासन का आचार्य कच्छाधिपति ने मुझे बनाया है, रत्न समाज संघ के प्रति तुम्हारी ये जिम्मेदारी है। 75 साल की उम्र में बाईपास, कोरोना, चिकनगुनिया, नी रिप्लेसमेंट, पथरी, सब कुछ होने के बाद मेरी जिम्मेदारी मर्दानगी से विथ हैप्पीनेस मैं निभाता हूँ। और पाँचवा नंबर माई स्पिरिचुअल लाइफ, आफ्टर 9:30 में किसी को नहीं मिलता हूँ, निकल जाऊँ, और मैं खुद रात को स्वाध्याय करता हूँ। पांच चीज, पर्सनल लाइफ, प्राइवेट लाइफ, फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ एंड स्पिरिचुअल, ये पांच का बैलेंस आपके पास है तो बोलो। एनी क्वेश्चन, एनी आंसर? देखो 9:45 बज गए, इस सब्जेक्ट को मुझे कोई, तुम 500 करोड़ के मालिक बने कि ना, मुझे जेलसी है ना, मुझे दुख है ना, पीड़ा है, मगर ये पाने के लिए तुम जो रख देते हो ना, रख दिया है तुमने, वो हैरान हैरान कर देता है। बस अगर चालू एक कही दू, सोनानी फ्रेम ना चश्मा मफत मण तो लई लेवाय, पर आंखनो सौदो करी ना मरता है तो ना पाड़ी देवाय। आपको गोल्डन की फ्रेम मुफ्त में कोई देने वाला मिल जाए, मगर बोले तेरी आंख निकाल के दे दे, आप बोलेंगे दोस्त बिना फ्रेम रह जाऊंगा, बिना आंख कैसे रह पाऊंगा। बस मेरा इतना ही कहना है, एनीथिंग इन एक्सेस इज पॉइजन। यदि आप रुकना चाहते हो, आपकी मर्जी की बात, और ये प्रवचन सुनने के बाद बाहर निकलने बाद तुम ये कॉमेंट करो, महाराज साहब छे संसार छोड़ी बेटा जे एमनो धंधो छे, आ धंधो, हाँ घना बोले थे हमने, वहाँ तुम्हारी बात नहीं तो मैंने आबू साम बोले थे, कोई विरोध ही नहीं। आ बधुँ तुम्हारी अगर राखो, तमें अमारी जे कॉमेंट करवा मांगता करजो, तमारा अनुभव ने तो चैलेंज नहीं करी सको तमें। डोंट टेक सीरियसली माई ओपिनियन, टेक द सिंसियर योर एक्सपीरियंस। वॉट आई एम सेइंग, डोंट टेक सीरियसली। What is your experience? Take seriously. गुरुदेव आज मारो अनुभव छे, मारा पप्पा के जे मने टाइम नहीं, मारी माँ के जे टाइम नहीं, मारो दीकरो मने के जे पप्पा क्यारेक तो टाइम आपो, नहीं टाइम नहीं मारे तारी, बाहर नहीं आरे मीटिंग छे मारी, अरे दीकरो छे तारो, अने अजी तमे को जो साहेब अहमदाबाद में मैं सफल आदमी मां मारो नंबर छे, राखो तमारी आगे। ये है पांचवें नंबर का परिग्रह परिमाण व्रत, भगवान महावीर का ये वचन अद्भुत। पाप के उदय को स्वीकारने की बात करने वाले भगवान महावीर ये कहते, पुण्य को उदय को रोकना, हर पुण्य का उदय स्वीकार मत करना, कभी हालत बिगड़ जाएगी तेरी। एक बार कहूंगा, 18 पाप स्थान के विवेचन में सभी का भाव, इनको लेकर के
मन में था कि तीन संडे में वाइट डम करेंगे, एक चौथा संडे संडे बढ़ाया है। आज पांच पाप को हम विवेचन करेंगे। परिग्रह पांचवें नंबर का पाप था। चार कषाय की बात करना चाहता हूँ, क्रोध, मान, माया और लोभ। काम टूटे और काम अपने को रिपेयर कर सकते, इनकी थोड़ी बात करने के पहले सागर को गूंगा। परिग्रह परिमाण पेज नंबर 15, आपके पास बुक है। आप सभी के पास किताब है ही, पेज क्रमांक 14 की स्तुति और 15 का स्तवन। प्रभुवर इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। नवविध परिग्रह जिंदगी भर हो जमा कर तो रहो, नवविध परिग्रह जिंदगी भर हो जमा कर तो रहो, धन लाल सामा सर्व भक्षी मरण લખો। આ એક સંગીતનો પ્રોગ્રામ નથી, આવી કડીઓ સાથે, દરેક કડી સાથે તમારી જાતને તમે ચેક કરી શકશો। આ લાઈનમાં હું તો નથી ને, આ લાઈનમાં મારો નંબર તો નથી ને, કેવી રીતે બહાર આવું? આ રીતે તમે કડી જોશો, સાથે સાંભળશો ને બોલશો, તો આ 18 પપસ્થાનના અનુષ્ઠાનમાં તમે પણ કંઈક નિર્જરાના ભાગીદાર બનશો। બધા તૈયાર રહેજો અને સાથે ગાજો। सोचता हूँ कि मैंने कहाँ भूल की, क्यों जीवन में अशांति पनपती रही। सोचता हूँ कि मैंने कहाँ भूल की, क्यों जीवन में अशांति पनपती रही। आ मेरे पास धन स्वजन सब कुछ, मगर हमेशा तड़पती रही। मेरे पास धन सजन सब कुछ, मगर जिंदगी क्यों हमेशा तड़पती रही। सोचता हूँ कि मैंने कहाँ भूल की।
पर अमन चैन होया प्रभु, दिन ब दिन प्यास मेरी ये बढ़ती रही। सोचता हूँ कि मैंने कहाँ भूल की, क्यों जीवन में अशांति पनपती रही। सोचता परमेश्वराय परिग्रह पाप स्थानक निवारणाय श्रीमती जिनेश्वराय जलम चंद्रम पुष्पम धूपम दीपम अक्षतम नैवेद्यम फलम यजामहे स्वाहा। पेज क्रमांक 2 का स्तवन, जो कि इस पूजा का शीर्षक गीत भी है।
जीवन संवारो, जरा मुझको निहारो, मेरा जीवन संवारो। कैसा भी हो स्वामी, किंतु आया तेरे शरण में। सगम पर पदम पर मगा कर सन पर गम गम पम पद पद सन सरे कथा। वो भी पानी भरने के लिए गई थी, कुएं में से पानी निकाला, एक गड़ा दो गड़ा तीन गड़ा पानी बाल्टी से निकाला, गड़े में डाल दिया और वो तीनों गड़ा लेके अपने घर पे जाने के लिए तैयार हो चुकी। आजू बाजू दिखा, कोई दिखाई नहीं पड़ा। एक गड़ा तो अपने सर पे रख दिया, मगर दूसरा गड़ा अपने सर पे रखने के लिए किसी का कॉपरेशन चाहिए। नजर डाली, कोई यदि मिल जाए तो उनको कहूं कि हाथ लगा दो और गड़ा ऊपर चढ़ा दो। एक गड़ा तो हाथ पे लिया था, एक गड़ा सर पे, और देखा कि 50 कदम दूर श्री कृष्ण खड़े थे। कन्हैया, एक काम है तेरा, नजदीक आया, ये गड़ा थोड़ा ऊपर चढ़ा दे। मैं नहीं चढ़ाता, तेरे पीछे जिंदगी हमने गंवा दी। मैंने बोला ना, मैं नहीं चढ़ाता हूं, कोई कारण ऐसे तो खड़ा है नहीं। वो भी करे तो भी क्या करे, 1 किलोमीटर लंबी दूर गई, किसी एक बहन को बुलाने आई और बुलाने के बाद उसने घड़ा अपने सर पे दूसरा लगा दिया। अपने घर पे जात हो रही थी, मगर मैं कृष्ण के प्रति द्वेष था। जिनके नाम पर हम पागल बन जाती है, और सामने खड़ा होने के बाद मेरी विनती होने के बावजूद नकार दिया, ये जिनकी इनके पीछे निकालने की जरूरत क्या है, बहुत कम है। मैं यही क्रोध में आई, और जैसे अपने घर में आई, अपने सर पे खड़ा था वो नीचे उतरने का प्रयास किया, वैसे ही कृष्ण आ गए। गोपी रुक, मैं घड़ा उतार देता हूं। आंख लगा दी, अभी ये घड़ा मैं अपने आप से नीचे उतार सकती हूं, अभी किसी के कॉपरेशन की जरूरत नहीं। जब जरूर थी तो आया नहीं, खड़ा था फिर भी तूने ना बोला, और आज तू ये कहता है घड़ा में उतार दूंगा। मैं नहीं चाहती, गोपी इतनी गर्मी करने की जरूरत नहीं है,
एक बार मैं जो कहता हूं वो कर तो दे, मुझे उतारने तो दे, और गड़ा उतार दिया। तब गोपी ने कृष्ण को, मुझे राज बता सकता है कृष्ण, जब तेरी जरूरत थी तू ना बोल के बैठा और मैं अकेली ढोने के लिए तैयार थी नीचे उतारने के लिए, तब तू आ गया, बात क्या है? तब कृष्ण ने जो कहा वो आज आपके सामने कहना चाहता हूँ। कृष्ण ने गोपी को इतना कहा, गोपी मुझे जो प्यार करते हैं ना, इनके सर पे बोझ में बढ़ाता नहीं हूँ, इनके सर के बोझ में कम करता हूँ। वहां बढ़ाने की बात करिए तूने मुझे बात में ना बोल दिया, और कम करने की बात तेरी ऑफर नहीं थी फिर मैं सामने से आया। अपना जीवन में भगवान दुख उधार मन आता दुख घटाड़ पावे, पाप वधारी है मां भगवान सपोर्ट नहीं करे, पाप ओछा करवा दे भगवान के हाजर अच्छ। कहां हमारी है श्रद्धा? यहां बैठने वाले कई लोग ऐसे जिनके मन में सोचेंगे मन से धर्मी दुखी जने पापी सुखी, आप बोलते हो नहीं बोलते हो मगर आपका डेप से मैं जानता हूं। वेल इंटेलिजेंट पब्लिक को मैंने देखा, उसे सुना है महाराज साहब धर्म भरम जी भी चीत चैनी ये बोलता ना दी खुले खुल्लू, पण एम कह महाराज साहब पापी बद्दा ज मजाक करे छे ने धर्मी बद्दा दुखी छे, आवू ए लोकोनु मानवू छे। इस सभा में किसी को ये डाउट नहीं है ना? ये मैं किसकी ओर से बात करता हूं? यहां तो कोई ऐसा नहीं बैठा है ना राकेश? हाँ ओके, आज क्रोध में जाने के पहले बस इतना थोड़ा कह, आपको ये लगता है, मैं खुली चैलेंज कर देता हूं, आपको यदि लगता है कि पापी मजाक कर रहे हैं सुखी है धर्मी सब दुखी है, यदि आप हृदय से मानते हो एक काम करो, आपके परिवार को तो तुम सुखी बनाना चाहते हो मालूम बराबर ना चाहते हो ना, एक काम करो आज आपके पूरे परिवारों को इकट्ठा करके बोल दो कि धर्म करने से दुखी आता है पाप करने से ही सुख आता है, तो मैं पूरे परिवार को कहता हूँ जी भर के सब पाप कर लो धर्म छोड़ दो, आपके बेटे को बेटी को पत्नी को माँ को बाप को भाई को सबको इकट्ठा करके बोलो मैं तुम्हें सुखी देखना चाहता हूँ और पाप करने वाले ही सुखी है, इसलिए मैं आपको कहता हूँ धर्म छोड़ दो और सब पाप करो, यू आर रेडी? हाँ? नहीं क्यों? आप तो ये बोलते नहीं कि पाप करने वाला मजाक कर रहा है धर्म करने वाले सब दुखी है, आपके आपके परिवार को तो दुखी तो देखना चाहते नहीं हो, और इतना ही बोल दो कि जिसको भी मजाक करना है सब पाप के मार पे चलो, यह मंदिर मंदिर सब हो गए से बोल दो तुम्हारी ताकत है तो। यदि तुम जो मानते हो वो ही यदि आपकी मानसी है तो बोल दो, यू बिगिन फ्रॉम योर फैमिली मेंबर्स। क्या कहना है? राकेश क्या कहना है? तुम बोला ना कि सब यही मानते, तो ये भी मैं आपको बोलता हूं क्या हो गया मुकेश? क्या हो गया? सुन गए ऐसी भी कौन सी व्यवस्था है? मैं तो ये कहना चाहता हूं तुम जो मानते हो कम से कम परिवार को देखो। मैं मेरा साधु को मेरा जीवन बताता हूं कि गुरुदेव की कृपा से मैं जहां पहुंचा वहां तुम पहुंचो, मेरे जीवन की मस्ती पवित्रता प्रसन्नता पुण्य प्रेम मैं मेरे साधु को डिलीवरी करता हूं। आज मैं इतना मजे में हूं इनका कारण है कि गुरुदेव की कृपा थी, गुरुदेव की आज्ञा का पालन था, भगवान की आज्ञा का पालन था, संयम जीवन भेदाग्रह मैंने किसी बॉर्डर क्रॉस नहीं की, मैं मेरे साधु को बोलता हूं। यदि मेरा जीवन जैसा बनाने तो आप सब मेरे मार्ग पे चलो, और तुम मानते हो कि पापी मजे में है तो परिवार को बोल दो सब पाप करो धर्म छोड़ दो। केम सुन थी गयो? सुनिए
ये जो तुम्हारा खोखला बने ना अंदर से तुम बोलते हो ये ठीक है, मगर तुम्हारा मन तो ये यार हम नीति के मार्ग पे चले पीछे रह गए और ये नंबर दो पे कहाँ आगे निकल गए। आपके मन में यही चुभन है, तुम क्लियर कट नहीं बोलते हो, तुम ये प्रच्छन्न नास्तिक हो। आस्तिक नहीं, नास्तिक नहीं, प्रच्छन्न नास्तिक। बाहर से आस्तिक, अंदर से नास्तिक। यदि है तो मर्दानगी के साथ बोल दो। आप दो में से एक बोलो, धर्मी सुखी है और पापी दुखी है, ये मानते हो या धर्मी दुखी है पापी सुखी है, एक क्लियर करो, डबल माइंड मत रखो। अमित क्या हुआ? हाँ पहला बोले हो तो 2 मिनट ना बगड़ते यार। तुमने खबर नहीं, रोज दारू पीनारो बाप पण पोताना दीकरो दारू न पीवेनी काळजी करे छे। आज देखाड़े कि तमे जे करता हो जुदू छे, तमे अंदर थी तो नथी इच्छता कि मारो दीकरो पण दारू ने पीवे। भले तमे कई पण करता हो पर तमारा परिवार माटे तो तमे इच्छो छो नहीं। आ नहीं, अरे आ अमदावाद नी आ गुड़बिल नथी, मुंबई नी गुड़बिल छे। कोई ने पण देरा बिल्डिंग ना फ्लेट वेचा तो देरासर बाजू में बोलवू पड़े, समझा नहीं। हाँ 12 महीना में एक पण मां दिरासर नहीं जो तो बाप पण दिरासर नी बाजू में बंगलो ले साहेब, कम से कम मारो दीकरो तो जाए, केम तू जान राइट। तमारी मुश्किली ये छे, तमे पूजा राम नी करो, दोस्ती रावण नी राखो। अने धर्मी जो दुखी होय तो तमे हमने मने दुखी मानो छे। बड़ी पीड़ा मुझे यह है कि बरसों से धर्म काले में मन में भी अभी तक ये बात निकली नहीं है कि गुरुदेव पापी कभी सुखी हो नहीं सकता है। रिपीट करूं, पापी के पास सामग्री हो सकती है, सुख नहीं हो सकता है। पापी के पास सामग्री हो सकती है, गाड़ी बंगले मोटर बिजनेस सब कुछ हो सकता है, मगर सुख इनके पास 100% नहीं। धर्मी के जीवन में कष्ट आ सकते हैं मगर दुखी वो कभी नहीं होता है। नेवर। हो गए क्लियर कंसेप्ट? आगे चलो। मन लगे आ कुछ चौमास लेबोरेटरी नो टेस्ट चलते, दवा तो आप ही से नहीं। हाँ शू कहो? 2 चौमास एम अभी मैं देखता हूं क्या होता है। 2 चातुर्मास में 100% परिवर्तन होगा वो गारंटी नहीं है। पाछू तमे कंईक बीजू बानू काढशो, साहेब हजी एक आपी दो त्रीजू। क्रोध एंगर इज द डेंजर। पहले क्रोध के रूप में तुम जाएंगे, एक बात आपसे कहूंगा, जिन शासन का एक सबसे बड़ा सीक्रेट आज आपके सामने रजू करना चाहता हूं। संसद में जब बोलने के लिए मैं गया था सेक्स एजुकेशन के खिलाफ, पिटीशन कमेटी के समक्ष मेरा जब वक्तव्य था वो आज वक्तव्य आज आपके सामने क्रोध के क्षेत्र में रिपीट करता हूं एक अलग एंगल से। आप क्रोध को दूर करने का प्रयास करेंगे कितने सफल बनेंगे मालूम नहीं है। एक बार रूट समझ लो बराबर। हमारे पास 3 चीज है, उद्देश्य, स्वरूप और परिणाम। इस सभा में बैठने वाले सब नोट डाउन करना चाहते हो कर लेना। नंबर 1 पर्पस, एक उद्देश्य, नंबर 2 स्वरूप और नंबर 3 रिजल्ट। एज फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक माँ अपने बेटे को दूध देती है दूध पिलाने के लिए, क्या पर्पस होता है बोलो? हाँ हेल्थ। आपको ये लगता है कि मेरे बेटे को मैं दूध देना चाहती हूँ, हेल्थ इनका अच्छा हो इसलिए, ये है उद्देश्य। स्वरूप, आपने दूध में केसर डाला, लविंग, इलची, चीनी सब कुछ डाल के दूध मस्त बना दिया, ये है इनका स्वरूप। देखने वाले को भी लगता है नहीं बहुत अच्छा दूध है, बहुत अच्छा दूध है। उद्देश्य अच्छा, स्वरूप अच्छा और नंबर 3
ऐसा दूध पीने के बावजूद बेटे को डायरिया हो गया। मैं इतना ही पूछना चाहता हूँ क्रोध के विषय में, इनका बैकग्राउंड करता हूँ। उद्देश्य अच्छा, स्वरूप अच्छा, रिजल्ट बेकार। माँ अभी बेटे को दूध देना चालू करेगी कि बंद कर देंगी? मालूम क्या करेंगी? बंद क्यों? आखिर नहीं, आखिर निर्णय कौन करने वाला था? उद्देश्य भी नहीं, स्वरूप भी नहीं, कौन? परिणाम। गुरुदेव, चाहे कितना भी उद्देश्य अच्छा था, चाहे स्वरूप दूध का कितना भी अच्छा था, मगर बेटे का स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद गुरुदेव वो दूध दिया नहीं चाहता है। आज मैं इतना ही कहूँगा, क्रोध करने का आपका उद्देश्य कितना भी अच्छा हो, कारण आप सही कारण पे क्रोध करते हो, चाहे कितना भी हो, मगर क्रोध का परिणाम कभी यदि अच्छा नहीं है तो आपको रुक जाना चाहिए। चाहे उद्देश्य कितना भी अच्छा हो, क्रोध करने का स्वरूप भी शायद आपका अच्छा हो, मगर रिजल्ट बेकार आ गया आपको। अने एक बात तमने कहूँ, एक ज पाप एवं है, दरेक वक्त कराया पी ते पछताया छो। दरेक वक्त मान माया ने लोभ में ते दरेक वक्त पछतायो छो एवं नहीं, पर क्रोध में दरेक वक्त कर दीदा पी एम तमने थे कि न करो तो सारूँ। देन आई वुड लाइक टू आस्क यू, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पचास बार, हर बार क्रोध करने के बाद तुम यदि दुखी हुए हो तो फिर ये क्रोध का रिपीटेशन क्यों? हाँ? क्या? ओके, आपको लगता है क्रोध इफेक्टिव है? एक बात आपकी बात में समझ गया, मगर एक बात क्लियर कर दूं आपको, आपका क्रोध इफेक्टिव नहीं है, क्रोध के पीछे पुण्य का बैकिंग है, इसलिए क्रोध इफेक्टिव है। ये जिंदगी भर याद रखना, क्रोध करना रो सफल नहीं थी तो क्रोध ने पुण्य नु बैकिंग हो तो सफलता, बाकी मार खाई जाओ। तो आपका क्रोध ने जो रिजल्ट आया वो क्रोध का रिजल्ट नहीं था, क्रोध के पीछे पुण्य था, इसका रिजल्ट था। जिस दिन वो पुण्य खत्म हो जाएगा, अकेला क्रोध रहेगा ना, मे बी पॉसिबल मर्डर हो जाएगा तुम्हारा। ये आपके दिमाग में बैठा है कंसेप्ट, क्लियर मुकेश? कभी भी क्रोध को सफलता नहीं मिलती है, क्रोध के पीछे पुण्य है इसलिए सफलता मिलती है। जिस दिन पुण्य गया मार खाएंगे। आज मैं आपको 7 स्टेप बताना चाहता हूं बड़ी गंभीरता से। मैं टाइम लूंगा 5-10 मिनट, मगर आप इतना कर दो गुरुदेव, पूरी जिंदगी भर तक हम क्रोध मुक्त नहीं हो पाते, मगर इन दिन 7 स्टॉप 7 स्पेस हम अपने आप को एंगर से मुक्त रखेंगे। 7 सब्जेक्ट देता चाहता हूं, वहां आप क्रोध को कंट्रोल करो। नंबर 1, माता बहन जो भी बैठे इन सबको मैं कहना चाहता हूं, प्लीज इनको सिंसियरली लेना और इंप्लीमेंट करने का प्रयास करना। नंबर 1, जब भी घर से बाहर निकलो क्रोध करके बाहर मत निकलो, समझे मैं क्या कहना चाहूँ? बाहर निकलने के वक्त मे बी पॉसिबल घर में कोई भी बवाल है, आपका बेटा शरारती, आपकी पत्नी ने रसोई बिगाड़ी है, कुछ भी हो सकता है बाहर निकलते वक्त, मगर वो टाइम क्रोध करके बाहर नहीं निकलना है। जब घर से निकलने का मौका होता है तब क्रोध करके बाहर नहीं निकलो, स्माइल देख करके बाहर निकलो, चेहरे की मुस्कान के साथ बाहर निकलो। मैं आता हूँ प्रवचन करने के लिए, विहार करते किसी के घर पे जाने की बात आती है साधु जीवन में भी, और मे बी पॉसिबल मेरे जीवन में भी तो कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, मगर बाहर निकलते वक्त नहीं। मैं दिल्ली की महेंद्र भाई बात करूं, पति पत्नी दो ही रहते थे, और बात करने बाहर निकलने के बाद पत्नी की कुछ गलती के हिसाब से रसोई बराबर में नहीं बनाती, और करोड़ों रुपये का मालिक और बिजनेस का टेंशन, वो टेंशन उसने अपनी पत्नी पर उतार दिया। 5 मिनट का भोजन भी तो अच्छा नहीं बनाती है, तेरे साथ शादी करके मैं दुखी हूँ, और क्रोध में जो बोला जाता है समझ के परे है। क्रोध करके निकल, 2009 की साल की बात में करना चाहता हूँ, दिल्ली के 3रे साल में क्रोध करके बाहर गाड़ी पार्किंग कर दी, गाड़ी में वो निकल गया, और यहाँ पत्नी घर में अकेले, दीशु कोई थे नहीं, शादी के 2 साल के बाद की बात,
4 करोड़ का बंगला पत्नी अकेली थी और अकेली पत्नी सोच में चढ़ी, यही मेरी जिंदगी, करोड़ों का बिजनेस, बाजू वाले देखने के बाद मेरे बंगले की मेरी गाड़ी की जलसी करते हैं। कभी कभी हम बाहर निकलते घूमने के लिए तो बोलते हैं एक दूसरे के लिए भगवान ने बनाया है, और ये हमारी मानसिकता। दाल में नमक कम आने के बाद ये बोलता है कि तेरे से शादी करके मैं दुखी हो गया हूँ, कहाँ तक मुझे झेलना ये सब, कहाँ तक। और एक बार बताऊँ, ब्लॉटिंग पेपर में तुमने 1 ड्रॉप डाला है मगर बुला पूरा ब्लॉटिंग पेपर वो कवर कर लेता है। आप बोलो मैंने तो 1 बूंदी डाला था मगर वो ब्लॉटिंग पेपर था, कवर कर लिया। और ऐसे कवर करते करते वो सोच में चली, वो तो निकल गया, फिर भी उसने प्रयास किया। 1 घंटे के बाद फोन किया, फोन नहीं उठाया। और मालूम 10 बजे वो घर से बाहर निकला था, दोपहर को 2 बजे पत्नी ने पंखे पे लटक के सुसाइड कर दिया। ओनली मिस्टेक वॉज द दिस, बाहर निकलते वक्त क्रोध करके वो निकला था। आपके पास ये स्ट्रेंथ पक्का, बाहर निकलने का मौका जब भी घर से आएगा तब क्रोध करके नहीं निकलेंगे, विद स्माइल विद हैप्पीनेस, स्वस्थ था। नंबर 2, बाहर से जब भी घर में आओ तब क्रोध मत करो। मे बी पॉसिबल बाहर बिजनेस का टेंशन था, एक ऐसा फोन आया था पेमेंट तुम्हारा डूब गया था, आज बिजनेस में लॉस था, रास्ते में ट्रैफिक जाम था, पुलिस ने आपको डिस्टर्ब कर दिया, बहुत कुछ हो सकता है ना। और आप घर में प्रवेश किए, हेतल आपके बेटे को तो पता नहीं था कि पप्पा इतना डिस्टर्ब है, उनको तो मालूम नहीं था। वो 6 घंटे से अपने पिताजी की राह देता है, पिताजी कब आवे कब आवे कब आवे, और आपका फोन बजा, आप अंदर दाखिल हुए और बेटा दौड़ के आया, पापा आज मैं स्कूल में पास हो गया। अरे लाला क्या बनी हुआ, उनको मालूम नहीं, वो समझते क्या हो गया पापा को, वो बड़ा प्यार से आपको चिपकने के लिए, तुमने 1 मिनट में गाली दे, चल दूर जाओ। ओनली फॉर 2 मिनट यू हैव टू वेट। मैं बहनों को भी कहना चाहता हूं बड़े प्रेम से, आपकी पूरे दिन की कोई भी शिकायत आपका पति घर पे आवे उसी टाइम तो प्लीज मत करो। मुकेश कितना घर मैंने टूटे हुए देखा है, इसे सिर्फ इतनी छोटी सी, और पति भी सोचता है कि पूरे दिन भर तक चक्कर में बैठा हूं, कुछ शर्म नहीं आती है, सीधा वो पति भी नहीं, कभी बिजनेस कैसे चलता है, आपको कोई टेंशन तो नहीं, ये घर कैसे चलता है, नहीं सीधी बात मेरी, साड़ी तो महीना है। चौबीस घंटे के लिए क्रोध नहीं करो, ये बात अभी मैं नहीं करना चाहता हूँ, सिर्फ इतना घर में प्रवेश करो तब, और घर में घर से बाहर निकलो। नंबर 3, भोजन करने के लिए बैठो तब प्लीज क्रोध मत करो। दो तीन पांच मिनट का आपका भोजन का समय है, आपकी पत्नी आपका बेटा जो भी है इनके साथ एक भोजन करते हो, आपका पूरा परिवार सामने बैठा है कि नहीं बैठा है, मगर भोजन का द्रव्य पेट में जाकर के क्रोध के साथ भोजन अंदर में जहर बन सकता है। नंबर 3, रात को सोने के लिए जाओ तब क्रोध करके सोना मत। इतना क्रोध का टेंशन रहता है ना, कभी कभी मैं भी पॉसिबल हार्ट अटैक आ सकता है, कॉलप्स हो गया रात को। नंबर 1, घर से निकलो तब। नंबर 2, घर में प्रवेश करो तब। नंबर 3, भोजन करने के लिए बैठो तब। नंबर 4, सोने के लिए जाते हो तब। नंबर 5, आपके परिवार आपके उपकारी है, उनके हृदय का जवाब क्रोध से देने की गलती मत करो।
તમારા મમ્મી પપ્પા, તમારા ભાઈ ભાભી જે હોય તે એ તમારી સાથે હૃદયથી વાત કરે છે, એને બુદ્ધિથી તોડી નાખવાનું પાપ નહીં કરો, પ્લીઝ નહીં. તને કાંઈ ખબર નથી પડતી, પ્લીઝ નહીં 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 આ નહીં. અપને ઉપકારી કે સાથ હમ ક્રોધ સે બાત નહીં કરેંગે. નંબર છે, ધર્મસ્થાન મેં ક્રોધ મત કરો. હમ યહાં અપને પાપ કો કમ કરને કે લિયે આયે, યહાં પાપ ક્યું કરેંગે? કુછ ગલત હૈ તો હમ સુઝાવ દે સકતે, કુછ ગલત હૈ તો સુઝાવ દે સકતે, મગર ગરમી સે સુઝાવ દેને કી કોઈ જરૂર નહીં હૈ. આ 1 2 3 4 5 6 ઇતના તો યાદ આ ગયા, બોલેંગે? મેં નહીં બોલુંગા, આપ બોલો. નંબર 1, નંબર 2, નંબર 3, નંબર 4, નંબર 5 ઉપકારી સર, નંબર 6, નંબર 7. આમ મને બહુ ઇઝી લાગે છે, તમને કેવું લાગે ખબર નથી. માલું આમ તું જેને જોવે ને એની ઉપર આમ ગુસ્સો કરે, અહીંયા બેઠો બેઠો નહીં. તો 7મા નંબર એટલો જ છે, મોબાઈલમાં તમે વાત કરો ત્યારે ગુસ્સાથી વાત નહીં કરવી. કે મામા શું તકલીફ પડી? ક્યાં હુઆ? ક્યાં બુદ્ધિ છે કે નહીં તમારી? દેખાતો નથી એને ગુસ્સો. તમને ખબર, તમે ગુસ્સો કરતો અને ઓલાને ખબર છે કે તમે ગરમ થવાના છો, એટલે પોતાના મિત્રને સ્પીકર ઓન કરીને કે જો આને કેવો ગરમ કરું છું, સાંભળ આપણે આઈસ્ક્રીમ ખાઈએ. તમે અહીંયા ગાળો દો છો, ઓલો આઈસ્ક્રીમ ખાય છે મજેથી. જો હળી કરું છું, હળી બોલે હળી ગાંડા છો તમે યાર. ક્યાં ના બોલતો? એક બાબત નહીં, એક બાબત મેં આપકો સબ કુછ ટેકનિક હૈ મેરે પાસ. એક આદમી કિસકો ખાલી જાય, હરામ કોરે, બેવકૂફે, ચોરે, ડાકુ હૈ, સુનતે રહા. 3 મિનિટ તક બોલતે રહા, કોઈ જવાબ નહીં દિયા, ફિર તમે સુનતા હૈ કે નહીં? રોંગ નંબર કે કે બાત રખ દી. આપકે હમે ટેકનિક નહીં હૈ, કોઈ કુછ ભી બોલે જવાબ મત દો. અરે તમને ખબર નથી મારા આટલા પ્રશ્નો તમે જવાબ નથી આપતો, હું બેઠો છું શાંતિથી. કીધું કે વ્યાખ્યાન બંધ કરું, ઘર ભેગા થઈ જાઓ મજેથી. મેં રિપીટ કરા, બાત કરને કી છૂટ હૈ ગરમી સે બાત નહીં. મેં યે નહીં કહેતા હું આપકા 3-4-5 લાખ કા પેમેન્ટ ઉભરા હૈ તો મેં યે નહીં કહેતા કે તુમ છોડ દો, બાત કરો. મગર અને એક વાત આજ મેં પૂરી સભા કો એક છોટી સી પ્રતિજ્ઞા દેના ચાહતા હું. ક્રોધ મેં આપકે મુઝસે જો ગાલી નિકલતી ને, શાયદ હર ગાલી ઉસમેં માં બેન કા પ્રયોગ હોતા હી હૈ. બિના માં બેન કે પ્રયોગ કી કોઈ ગાલી આપકે મુઝસે શાયદ નહીં નિકલતી. ક્યું? મગર આપકા પેમેન્ટ જીતને ડુબાય ઉસકી માં તો બહુ પવિત્ર હૈ. આપ સીધે ઇન પે ચલે ગયે, તેરી માં તેરી બેન યે, યહાં પ્રવચન મેં બેઠને વાલા બજાર મેં યે સ્વરૂપ, ઇનકા માં બેન પે ગાલી તુમ્હારે આપ મુઝસે. હમ કિતને નીચે ઉતર ગયે, હમારે માં તો તીર્થંકર કી માં કો નમસ્કાર કિયા. જીન માતા શું જે દરે ખેદ તસ મસ્તક થાસે છેદ. ભગવાન કી માતા કે પ્રતિ કિસી ને ગલત સોચા તો મસ્તક કાટ ડાલુંગા, યે ઇન્દ્ર મહારાજ ડિક્લેર કરતે. આપને દેખા ઇનકી માં કો, આપકે પેમેન્ટ કે લે સીધી માં ઓર બેન પે ઇનકી લડકી કે મેં શરમ નહીં આતી તુમે કોઈ. જે દ્રષ્ટિ પ્રભુ દર્શન કરે તે દ્રષ્ટિને પણ, અને એવા મળે ખાલી તમારો પૈસો રોક્યો સીધા એના ખાનદાન ઉપર ઉતરી ગયા. યે તુમારે ક્રોધ કા પાપ. આજ ક્રોધ કે વિષય મેં આપસે મેં ઇતની ગુરુ દક્ષિણા ચાહતા હું, ગાલી નહીં બોલો બેસ્ટ, મગર આપસે મુઝે કિસી ભી હાલત મેં ગાલી નિકલેગી ફિર ભી માં બેન લડકી સ્ત્રી બિલકુલ નહીં આયેગી, ઇતના તો પ્રોમિસ મુજે દઈએ. હાલ ઊંચે સબકે
बहुत अच्छा एकदम धारणा विग्रह बचकाय धारणा विग्रह बचकाय नंदरवगण संसाकरण महतरागण सर्वस्म विद्याकरण वो श्री एक खाली बीजो पण नियम मागू छु तुम्हारी आगळ आवता रविवारे पाछू आपणे मळशू सात दिवस नो आपणे प्रोग्राम बनावी एक एक दिवस एक एक नियम नु पालन करू जो तमारो नियम जोईने पत्नी थोड़ू निमित्त आपशे तमने जाणी जोईने के बहु हळी करता था जोऊं छू केवा छू थोड़ा ठंडा रहेजो ये साथ में सबसे टफ कौन सा है मैं जीत को सबसे ज्यादा इजी मानता था हा? क्या हुआ वही टफ कोई नहीं चलो छे तो पक्का है ना अब एक काम करो ग्रेट कॉन्करर डज नॉट फाइट ऑन स्मॉल इश्यूज और एक और छोटा सा क्रीम कोटेशन इफ यू वुड लाइक टू विन द वॉर यू लॉस द बैटल इफ यू वुड लाइक टू विन द वॉर यू लॉस द बैटल यदि युद्ध जीतना है तो लड़ाई हारो और कम से कम परिवार को संभाल लो तमने जोईने मारे खाली एटलू ज केवू छे बार वाळाने तमारा कर्मा माटे नजीक वाळाने दूरना नहीं करी देता तमारा परिवार थी जे बार छे ने तमारी नजीक लावा माटे तमारा परिवार ने तमारा थी दूर करी देवानुं पाप क्यारे नहीं करता समाधि खलास थई जशे अने क्रोधनो सौथी पहेलो एटेक परिवार वाळा उपर ज आवे छे क्रोधे क्रोध पूर्वतनु संयम फल जाए मैं आपकी कहां बात करता हूं एक बार बताऊं क्रोध को आग का है आग पानी चाहे कितना भी हो मगर सबको नहीं खत्म कर देती आग तो पूरे माहौल को खत्म कर देती क्रोध वो ऐसी आग है आपके नजदीक किसी को बैठने नदी को नदी कोई आया तो उनको दूर किए बिना रहेगी नहीं मैं भी और एक लास्ट बात इसके संदर्भ में एक कर्मी बनते सूत्र जैसे अपने वहां आए एक सूत्र ऊपर चिन्हभद्र क्षणि गणिक समाज समय 28,000 श्लोक लिखा है कितना अकेले कर्मी बनते सूत्र पर 28,000 श्लोक और उसमें एक गंभीरता से बात की है क्रोध करना ही नहीं बाप बेटे पर क्रोध नहीं करेगा तो मैं भी पशु बेटे का जीवन तबाह हो सकता है मैं मेरे शिष्य पे क्रोध कभी नहीं करूंगा तो मैं भी पॉसिबल मेरे शिष्य का जीवन गुमराह हो सकता है वहां ऐसे क्रोध को मलदारी हेमचंद्र सीमा ने आदेश कसाई का नाम दिया रिपीट कसाई क्रोध है मगर इनके पहले एक शब्द लिखे आदेश आदेश कसाई माने मेरे परिवार के जीवन को बचाने के लिए बाहर से मुझे क्रोध करना पड़े अंदर से मैं स्वच्छ रहूं ये कसाय आदेश कसाय समझे ने मारा शिष्यों पर गरम था अंदर में प्रेम छे पर मने खबर छे के गरम थया विना एनु जीवन बचे हुं नथी अने एमां टाइमे पूरतो गरम थाउ आने मलदारी हेमचंद माजे आदेश कसाय कीधुं छे आवो कसाय करवानी छूट छे तमारी भाषा में क्लियर करी दू हाथ मारे ने हयू रड़े ए माँ छे माँ कौन हाथ मारे त्यारे पण हयू रड़े दीकरो गाळ बोली ने आव्यो छे अने माने ने रोको छे दाण करतो लाफो मारी दीधो कदाच मे बी पॉसिबल दीकरो रड़े एना करता माँ रड़े बधाने क्या मारे मारवो पड्यो पण एने खबर छे के मार्या विना दीकरानुं जीवन बचेवुं नहोतुं जे रीते पोताना दीकराने बचावा माटे मां क्रोध करे छता दीकरा पर प्रेम होय आवो क्रोध तमारे करवो होय तो शास्त्रकारो आ स्तर उपरनी छूट आपे छे तमारा परिवारना जीवनने बगड़तुं अटकाववुं होय अरे एवा टाइममां क्यारे गरम थवुं पड़तुं तो बात जुदी पण ए सिवाय क्रोध नहीं
મને ઘણી વાર થાય તમારું બધું ઠેકાણે હોય છે, તમે પોતે ઠેકાણે નથી હોતા. મોબાઈલ ઠેકાણે પણ તારી ખોપડી ઠેકાણે રાખ એ જ નહીં. કેટલી બધી સ્વસ્થતા અમારા જીવનમાં અમારે રાખવી પડે છે જયેશ, સચ બતાવું માલું કભી કભી નિમિત્ત અમે ભી તો ઇતના વિચિત્ર મિલ જાતા હે, દિમાગ કો ઠંડા રખના બહુ બડી ચેલેન્જ હો જાતી હૈ, મગર હમ સફલ હો જાતે હૈ, રખ દેતે. લોકો કો તમ સંભાળ નહીં સકતે, કોઈ ખુદ ભી બોલ દેતા હૈ મેરે લિયે ભી, ઓર વો ટાઈમ ક્યા, બસ ચલો જાને દો આગે. અને હજી તમારા મનમાં એક વાત હોય તો કાઢી નાખજો, સાચું બોલો, ક્રોધ આવે છે કે ક્રોધ કરો છો? इस सभा में बैठने वाले को मेरा प्रश्न है, क्रोध आता है कि तुम क्रोध जानबूझ के करते हो? साचु बोलो, हूँ अत्यारे ना पड़ जो कही दो ने, सामे वालों करावे ये तो तमने एटला माटे करावे कि तमारी कसोटी करे, अने आम तमने खबर नहीं, तमारू यहाँ घड़ी मरशे ने, सामे वालों क्रोध करावे माटे तमे क्रोध, आनो अर्थ के तमारी चाबी एना हाथमां छे, તમને મજામાં રાખવા કે ડિસ્ટર્બ કરવા એની ચાબી એના હાથમાં કે તમારા હાથમાં? અરે અભી તો મેં આપકો ક્યાં બતાવું જયેશ, એક લડકા જા રહા થા ના કિસી સે ટકરા ગયા, ઉનકે બર્તન મેં નિમકા રસ થા, બર્તન થા બર્તન મેં નિમકા રસ થા, બરાબર છે, અરે સાચું બોલો લીમડાનો રસ ઢોળાઈ ગયો, નિમકા રસ ગીર ગયા નીચે, અભી મેં આપકો ઇતના પૂછના ચાહતો રાકેશ, वो टकरा गया इसलिए निमका रस नीचे गया कि निमका रस था इसलिए नीचे गया? नहीं तुम क्लियर करो क्या हुआ मुकेश, क्या हुआ, क्या हुआ, टकरा गया बराबर है, मंगो निमका रस नीचे क्यों गया, शरबत क्यों नहीं गया, शू है એટલે લીમડાનો, એટલે હવે સીધી વાત કીધું, એમને જે વાત કહી એનો જવાબ છે, સામાવાળો મને ગરમ કરે છે, કહું સામાવાળો તમારી સાથે ટકરાઈ શકે પણ વાસણમાં તો જે હોય એ જ નીચે આવે, તમે લીમડાનો રાખ્યો ને તમે કહો અમારે લીંબુનું શરબત કેમ ના નીકળ્યું, એટલે મામા છે લીમડો તારી આગળ, એટલે કોઈ ગમે તેટલો ટકરાય પણ તમારા વાસણમાં હોય એ જ બહાર આવે, ટકરાવ મારી અડે, ચંડ કોશિક માવી સાથે ટકરાયો હતો અને માવીના મુખમાંથી પ્રેમ અને કરુણા સિવાય કાંઈ નીકળ્યું નહીં, કારણ કે ટકરાનારો ગમે તે હતો બહાર એ જ આવે, તમારી આગળ અંદર હોય તે ગાળ ગાળ કોણ કોણ ટકરાય છે ને ન દો, તમારી અંદર તમે આ લઈને બેઠા છો માટે ક્રોધ આવે છે, પ્રેમ હતો પ્રેમ જ આવત, ક્ષમા હતો ક્ષમા આવત, તમારી આગળ ક્રોધ હતો, ઓલો તો ટકરાય, તમને ખબર નથી તમને કોઈ ટકરાય નહીં, એ માણસ એટલું જ કહે છે તમે હું લઈને બેઠા છો, બરાબર છે ને, એટલે નક્કી થઈ ગયું ને સામો ટકરાય છે માટે ક્રોધ નથી થતો, નહીં હા બોલો, સાચું બોલો, બાલતી નાખવાથી પાણી આવે કે પાણી હોય તો આવે, બસ તારી પૂરી થઈ ગઈ વાત, અને ગંગા જળ તો ગંગા જળ અને કટર જળ એમાં બાલદીનો શું દોષ, અરે બાલદી આવી બરાબર અંદર તે પાણી કયું રાખી દઉં કટરનું એ જ આવે, તમારા જીવનની બાલદી કોઈ ગમે તેટલી નાખે અંદર, તમે અંદર ગટરમાં ગટર જળ નથી ને ગંગા જળ છે તો એ જ આવશે બહાર, સજ્જન પુરુષને તમે ગમે તેટલા નિમિત્ત આપો એનામાંથી પ્રેમ જ આવે છે બહાર, કારણ કે તમે બાલદી ગમે તેવી નાખી એ કે અહીંયા પ્રેમ સિવાય બીજું પાણી રાખતો જ નથી, અમિત બે ઠેકાણા બે ચોમાસાથી પણ ઠેકાણું પડે એવું નથી, તીન લડકે ને મજા કરે, એક બોલા કે યાર મેરા એપેન્ડિક્સ કા ઓપરેશન મેને અંબાણી હોસ્પિટલ મેં કરવાયા, દૂસરા બોલા મેરા બાઈપાસ હુઆ બ્રિજકંડી મેં, તીસરા બોલા મેરા લિવર કા કરાયા અમેરિકા જાકર, ચોથા થા ને વો બોલા યાર અમને તો કુછ કરાયા નહીં,
ये तीनों यार बड़े चढ़े बात करते, मेरे पास तो बोलने का कोई मटेरियल नहीं। वो सीधा गया हॉस्पिटल में, डॉक्टर को बोला डॉक्टर साहब कुछ करो, कुछ चेक करो। डॉक्टर बोला क्या हो गया क्या? नहीं अरे तीन मित्र बात करते थे, एक अमेरिका एक का, मैं कुछ बाकी नहीं, टॉपिक ही नहीं था मेरे पास। डॉक्टर ये बिचारे अब करो ठीक है, वैसे ब्लड टेस्ट यूरिन टेस्ट स्टूल टेस्ट जो भी करना था सब कुछ कर दिया, कुछ निकला नहीं, योर रिपोर्ट इज नॉर्मल। डॉक्टर साहब एक काम करो एक्सरे निकालो। एक्सरे निकाला निर्मल। डॉक्टर साहब सीटी स्कैन कर दो, वो भी करा नॉर्मल। एमआरआई कर दो नॉर्मल। जितने भी टेस्ट थे सब किया नॉर्मल। तब डॉक्टर को कहा, डॉक्टर ने बोला तुम्हारे दुनिया में जितने टेस्ट है हर टेस्ट तुम्हें कर दिए सब नॉर्मल है। फिर डॉक्टर एक काम करो पोस्टमार्टम कर दो। दिमाग है कि नहीं तरह तमारू हूँ करूँ हम जा तुम नहीं। અત્તરના એક એક બુંદમાં ફૂલ શહીદ થયેલા જોયા, અત્તરના એક એક બુંદમાં ફૂલ શહીદ થયેલા જોયા, નાનકડા એક એક બીજમાં વડલા કઈક સુતેલા જોયા, નેહ નિતરતી નાની આંખે સુંદરતાના મેળા જોયા, નેહ નિતરતી નાની આંખે સુંદરતાના મેળા જોયા, કટુ વેણની એક જ ઠેસે દિલના કાચ તૂટેલા જોયા। અત્તરના એક એક બુનમાં ફૂલ શહીદ થયેલા જોયા, નાનકડા એક એક બીજમાં વડલા કઈક સુતેલા જોયા, નેહ નિતરતી નાની આંખે સુંદરતાના મેળા જોયા, કટુ વેણની એક જ ઠેસે દિલના કાચ તૂટેલા જોયા, બુઝદિલના કો લુખા હશે આંસુ લાખ થીજેલા જોયા, બુઝદિલના કો લુખા હશે આંસુ લાખ થીજેલા જોયા, શંકાના કો વિષ ઘૂંટમાં દીર્ઘ પ્રેમ મરેલા જોયા, શંકાના કો વિષ ઘૂંટમાં દીર્ઘ પ્રેમ મરેલા જોયા, આશ તણા કો કાચા દોરે જીવતર કઈક ચૂકેલા જોયા, આશ તણા કો કાચા દોરે જીવતર કઈક ચૂકેલા જોયા, આશ તજી અવધૂત બનેલા મસ્ત ફકીરો વિરલા જોયા। કોઈ નીકળતા એ એક જ વાક્ય ગુજરાતીમાં કહીશ, ક્રોધના કારણ સાચા હોઈ શકે, ક્રોધનું પરિણામ સારું હોઈ ન શકે। ક્રોધના કારણ કદાચ સાચા હોઈ શકે પણ ક્રોધનું પરિણામ ક્યારેય સારું નથી। પ્લીઝ આગળ વધતા જાતને રોકજો। ક્રોધસ્થ હોયા યદિ પ્રથમમ નિરસ્ત, ભગવાન આપને સબસે પહેલે કંટ્રોલ કિયા થા આપને ક્રોધ પર ફિર સબ કશા હૈ। સંસાર હૈ નિમિત્ત તો મિલતે રહેંગે, મગર મેને પહેલે બોલા આપસે ટકરાને વાલા સિર્ફ ઇતના હી કહેતા હૈ આપ અંદર ક્યા લેકર કે બેઠે હો, ચાહે સામને વાલા કિતના ભી ટકરાએ આપ પ્રેમ ક્ષમા નમ્રતા સરળતા પવિત્રતા લેકે બેઠના, ટકરાને કે બાદ આપકે બર્તન સે વહી નિકલેગા। ક્રોધ કા સબ્જેક્ટ ઇતના હી માન માન। કોઈ જલ્દબાજી ગુરુદેવ માઇક, હા હા પેજ ક્રમાંક 16 ઓર 17
जे क्षण मही जे नरक नो अनुभव करावे स्वपर ने अहिने अहि अब जो वरसनी साधनानो क्षय करे जे क्षण मही जे नरक समतायुक्त हूँ क्या रे बनो आप मय संसार छोड़ी श्रमण हूँ क्या रे बनो। आ स्तंभना नीचे आ स्तुति नीचे चौथी लाइन छे आप बदल साथे गाओ आओ प्रयत्न करो। आप मय संसार छोड़ी श्रमण क्या रे बनो आप मैं संसार छोड़ी श्रमण हूँ क्या रे बनो आप मैं गाओ बता ते श्रमण हूँ क्या रे बनो आप मैं संसार छोड़ी श्रमण हूँ क्या रे बनो। चलो स्थापना करिए मन में आग नयन में है आंसू अंतर में है आशा इस पाप को शरण में ले लो दे दो प्यार जरा सा। मन में आग नयन में है आंसू अंतर में है आशा इस पापी को शरण में ले लो दे दो प्यार जरा सा। मन में आग नयन में है आंसू इस पापी को शरण में लो दे दो प्यार जरा सा। मन में आग नयन में है आंसू चाकू जैसे हाथ हथौड़ा जैसे चलाया ओ जीभ चलाया
चाकू जैसे हाथ हथौड़ा जैसे चलाया, तोड़ लिया मुंह तोड़ दिया दिल, कितनों को रे मैंने रुलाया, कितनों को रे मैंने रुलाया। मन में आग नयन में है आंसू, अंतर में है आशा, इस पापी को शरण में ले लो, दे दो प्यार जरा सा। मन में आग नयन में है आंसू, रिश्तों में पड़ गई है दरारें, भस्म हुआ है जीवन जल कर, बता कासु। ओ रिश्तों में पड़ गई है दरारें, भस्म हुआ है जीवन जल कर, समता से ही सुख है माना, अब न करूं पापी को शरण में ले लो, दे दो प्यार जरा सा। मन में आग नयन में है आंसू, मन में आग नयन में है आंसू, मन में आग नयन में है आंसू। ओम रेम श्रीम परम पुरुषाय परमेश्वराय क्रोध पाप स्थानक निवारणाय श्रीमते जिनेश्वराय जलम चंद्रम पुष्पम धूपम दीपम अक्षतम नैवेद्यम फलम यजामहे स्वाहा। यह है सातवें नंबर का पाप मान। अभिमान कैसे तोड़ना वो बात फिर करूंगा, हम एक बार इनका इन्वेस्टिगेशन कर लें, अभिमान के पीछे राज क्या है। हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग वो अभिमान के पीछे का राज है। एक छोटी सी बात आपको पूछना चाहूंगा, 1,00,000 रुपया लेकर के तुम मुकेश किसी दुकान में गए ज्वेलरी की, और 5,00,000 रुपया का तुमने नेकलेस मांगा, और दुकानदार ने वो नेकलेस देने से मना कर दिया। मैं एक दो प्रश्न प्लीज गंभीरता से सुनना, तेरा गुस्सा दुकानदार पे होगा क्या? 1,00,000 का नेकलेस तू 5,00,000 का नेकलेस मांगने गया, तेरी पूंजी 1,00,000 की थी और दुकानदार ने नेकलेस नहीं दिया, तू गर्म होगा? नहीं। क्यों? जल्दी बराबर, दुकानदार नेकलेस देने के लिए तैयार था, मगर इनकी एक प्राइस थी। यदि आप प्राइस दे के आएंगे तो आप कुछ भी करते तो नेकलेस मजे से दे सकता था, माने नेकलेस न देने में इनका कोई दोष नहीं था, तुम्हारे पास जितना पैसा होना चाहिए वो नहीं था। आप ये बोलो मैं गाड़ी लेके आया हूँ, मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, तू नेकलेस क्यों नहीं देता है, ये तुम्हारा क्रोध बेकार है। रिपीट, माने क्रोध के केंद्र में रूट में अभिमान है। आप एक बार पक्का कर लो, जहाँ आपका अभिमान नहीं होगा
वहाँ शायद 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 आप क्रोध से अपने आप से बच जाएंगे। और अभिमान भी हमें कब करना पड़ता है, मैं रिपीट करना चाहता हूँ। मेरी बात यदि आप नहीं मानते हो तो दो कारण हो सकते हैं, या आपकी पात्रता ही नहीं है, या तो मेरा पुण्य नहीं। तीसरे नंबर का कोई कारण नहीं, आप मेरी बात मत मानो। नेकलेस देने के लिए वो तैयार था, मगर आपके पास पैसे नहीं थे इसलिए नहीं दिया। आपके पास पुण्य की पूंजी होती तो 100% सामने वाला आपकी बात 100% मान लेता। वहाँ आपको ईगो करने का प्रश्न नहीं था, आपको पुण्य बढ़ाने की जरूरत थी। माने सामने वाला जब आपकी बात नहीं मानता है तब इनकी गलती नहीं है, आपका पुण्य कम पड़ रहा है। यू बिलीव इट? नहीं सच बोलो, आप मानते हो? हाँ नहीं तो क्या मानते हो? कारण तो बोलेंगे ना। आप मेरी बात नहीं मानते, मैं स्पष्ट रूप से मानता हूँ, या तो मेरा पुण्य कम रहा है तो तुम्हारी पात्रता कम है। मैं अभिमान नहीं करता हूँ, मैं ऐसा हूँ, मेरी बात नहीं मानते हो, कुछ नहीं नहीं मानो। मैं रूट में वो अभिमान लेके ईगो लेके नहीं बैठा हूँ, इसलिए तुम अरे मैं तो आपको इतना पूछना। चलो ईगो की बात निकली, बताओ अमित तू गाड़ी लेके जा रहा है, तेरे आगे किसी की गाड़ी है, तू हॉर्न बजाता है, साइड मांग रहा है, साइड नहीं दे रहा है, अब क्या करना है? राकेश क्या करना है? वो तो बना बने तो करेगा भी क्या, और करना ही नहीं। मगर वो मैं बता, वो टाइम एक बार दो बार तीन बार चार बार हॉर्न बजाने के बाद साइड नहीं मिलती है तब मेंटल स्थिति क्या रहती है? क्यों? बस अभी मैं पूछता, अब क्रोध क्यों? पर आमा हमारे कॉम्प्रोमाइज क्या करो, क्रोध क्यों करो? जो पूछू शू कह कौन सांभ नहीं बेरो नदी है ने, काने ऑन नो अवाज बराबर जाए से। आपको क्रोध करने की जरूरत क्या? मैं तो इतना पूछना चाहता हूं, क्रोध क्यों? सेने माटे पण आवी ने मने केम साइड ना आपी? ये तो मैं नरेंद्र मोदी छो एम? नहीं 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 मैं ये कहना चाहता हूँ, अरे और एक बात, गाड़ी तुम्हारी है, गाड़ी उनकी है, रोड तो कॉमन है, तुम्हारे परम पूज्य पिता सिखा तो नहीं रोड है, तुम्हारा बाप नाम सीखे तो आपके परम पूज्य पिता सिखा बोलता हूँ, इसमें दिमाग क्यों गर्म करते हो? नहीं ईगो छे, ईगो, मैं तीन बार हॉर्न बजाता हूँ फिर भी साइड नहीं, समझता क्या है? दिखा दूंगा इनको। अरे क्या लेकर के इतना ईगो, तुम्हारे इतने ईगो को तुमने हाइट पे क्यों लेके गया? ठीक है हॉर्न बजाना मेरी जिम्मेदारी थी, साइड नहीं देना इनकी मर्जी की बात। अरे बीजू तो तुमने कहो, आप स्टीयरिंग व्हील पे बैठे बैठे क्रोध करते हो और मुंह से कभी गाली भी निकलते हो, गाली किसको देते हो भाई? गाली किसको देते हो? भाई गाड़ी कोने आप एम पूछू छू? एने तो पहुंचती नहीं, ये तो कम से कम मन म्यूजिक सांभळे अंदर बैठो बैठो। हड़वा थी जाए बोलो। ये है हमारी मानसिकता। मैं स्पष्ट रूप से मानता हूं, जब भी मेरी बात सही होने के बावजूद भी सामने वाला नहीं मानता है, दो ही एंगल, या तो उनकी क्वालिफिकेशन कम है या तो मेरा पुण्य कम है। आगे चलो, गर्म होने के बाद ईगो को कंट्रोल करने के लिए बेस्ट विकल्प है, मेरा पुण्य कम पड़ रहा है, जाने दो। ये ताकत अभिमान को कंट्रोल करने के लिए यही राज, यही राज। बाकी जिंदगी भर तुम थक जाएंगे, कोई तुम्हारी भगवान महावीर की बात हमने नहीं मानी, हमारी बात कौन मानने वाला है? परमात्मा महावीर जी की बात हमने नहीं मानी है, हमारी बात कौन मानने वाला है? और एक बात, अभिमान का एक आइडेंटिटी वो है
अपनी पहचान वो अलग रखता है, रहता है सबके साथ, मंग चाहता मैं सबसे मैं अलग हो जाऊं। मुझे समझे, ये देखो ये अंगुली के साथ अंगूठा रहने के बाद अंगूठा अपनी पहचान अलग रखता है। एमपी में गांव में मुदलाई, मेरी जिंदगी में पहला प्रवचन 100% मुस्लिम पब्लिक के बीच में, नो वन वॉज द हिंदू देयर। उनकी बहुत लंबी चौड़ी बातें मैं नहीं करूंगा, मगर वो मुस्लिम के साथ प्रवचन, एक जाने में जो कम लगता था गए, और रात को मुस्लिम भाई आए कि मानस साहब आपकी किताब तो हमने पढ़ी है, आपका प्रवचन सुनना है। ये प्रवचन में मुस्लिम भाई आ जाए वो अलग था, और इनके गांव में टोटली 100% वहाँ, और वहाँ मैंने प्रवचन शुरू किया। मैं बोला 5 टाइम नमाज अदा करने के बाद खुदा यदि आप पर प्रसन्न हो जाए और खुदा आपको पूछे कि 5 टाइम नमाज अदा करने के बाद तू मेरे से क्या चाहता है, पुण्य पवित्रता प्रसन्नता क्या चाहता है, प्रतिष्ठा प्रतिभा, एक 36 साल का लड़का था मुस्लिम, महाराज साहब फिर से पूछो। और मैंने पूछा खुदा तुम्हें ये प्रश्न जवाब दे, तुम आप इनका क्या जवाब देंगे। खुदा बोले जो चाहे वो मेरे से मांग ले, तो तुम क्या मांगेंगे। चेहरे के मुस्लिम मुस्कान के साथ वो मुस्लिम ने जवाब दिया, महाराज साहब हम पर खुदा प्रसन्न हो जाए ऐसा संभावना कम है, फिर भी आप बोलते हो यदि खुदा हम पर प्रसन्न हो जाए तो हम क्या मांगेंगे, पैसा मांगेंगे, परिवार मांगेंगे, प्रतिष्ठा मांगेंगे, प्रसिद्धि मांगेंगे। महाराज साहब ये आपका प्रश्न ही बेकार है, यदि खुदा हम पर प्रसन्न हो जाए हम खुदा को ही मांग लेंगे, खुदा से क्या मांगना, खुदा को ही मांग लेंगे। तमें मारी बात नहीं मानता साची सारी, तारे हूँ बेज बात करूँ कहाँ हजी तमारो समय पाक्यो नहीं, कहाँ तो मारू पुण्य ओछू पड़े छे, एक तको हूँ डिस्टर्ब नहीं, मने तमारी पर क्रोध नहीं, कारण के अंदर में ईगो ने मैं केंद्र स्थाने राख्यो नहीं। सच बोलो आपकी पत्नी दूध में शक्कर कम डाले तब आपको क्या लगता है पत्नी गलत है कि तुम्हारा पुण्य कम है। क्या मजा, आप दूध मांगो और पत्नी दूध में शक्कर न डाले तब आपको क्या लगता है वो गलत है कि तुम्हारी पुण्य की कमी है। सुबह पुण्य तू तो आगल पुण्य न तू 1 लाख रुपया की वीटी मड़ी नेकलेस न मड़ो कांगे ना 5 लाख था। શું કહ્યું, ના ખરાબ નથી ની પડી છે, આજો પત્નીના બચાવમાં છે, ખતમ કઈ નથી, એને ખબર છે ઘરે ક્યાં બી દૂધ નહીં મળે છે અહીંયા બોલ્યો તો। આપકા મન ચાહ નહીં હોતા કભી આપકો લગતા કે મેરા પુણ્ય કમ હૈ, કભી ભી લગા તુમને કોમ્પ્રોમાઇઝ યે કિયા, હોર્ન બજાને કે બાદ સાઈટ નહીં મિલી આપને સોચા કભી યે બદમાશ હૈ નહીં મેરા પુણ્ય કમ પડ રહા હૈ। नहीं, आपको देखो छोटा बच्चा भी होता है ना अभिमानी होता है, छोटा बच्चा रोड रास्ते में जाता गिर जाता है ना तो रोने के पहले कुछ चेक कर लेता है कोई है, देखा होगा आपने। हाँ अपने घर में भी चलते चले गिर गया तो सीधा रोएगा नहीं, पहले चेक करता है कोई है, रखने वाला शांत तो रो, बाकी इन्वेस्टमेंट क्यों करना। इनको भी अभिमान है, मेरा आंसू बेकार नहीं जाना चाहिए। और तुम्हें मालूम नहीं माँ बार गई तो 4 बजे आती है रोएगा रोएगा, माँ बोले क्यों 9 बजे गिर गया था अभी क्यों रहा, तो कोई था ही नहीं रोके क्या करूं। और आपको मालूम है तो मैं लोक प्रकाश ग्रंथ की बात करना चाहता हूं, तत्वज्ञान की बात थोड़ी 2 मिनट में। नरक गति में क्रोध ज्यादा है, देव गति में लोभ ज्यादा है, त्रियंज गति में माया ज्यादा है, और मनुष्य गति में मान ज्यादा है। यह है हमारी आइडेंटिटी। क्रोध सबसे ज्यादा नरक गति में, लोभ सबसे ज्यादा देव गति में,
माया सबसे ज्यादा तिर्यंश गति में और अभिमान सबसे ज्यादा मनुष्य गति में, इस पर हमारा कंट्रोल। और एक बात दिल से कहना चाहता हूं, भगवान और मेरे बीच में वॉल होती तो मैं कभी भी तोड़ देता, मगर हमने ऐसी वॉल बना दी है, ऐसी वॉल। गुजराती भाषा में को अभिमान भगवान ने मड़वा दे, भगवान में भड़वा न दे। परिवार तुमने क्यों जो गंभीरता थी, अभिमान मड़वा दे से भड़वा नहीं दे। आप मेरे नजदीक भी आएंगे, बहुत एकदम नजदीक, आप मिल नहीं जाएंगे। अभिमान आपको मेरे से दूरी बनाए रखेगा। परिवार को बद्दा ने मड़वा दे पर कोई ना मां भड़वा ना दे, काम अभिमान नो छे। हूँ अलग छू, तुम्हारी साथे हूँ बेसी नहीं सकू, मारी ओळखाण अलग छे। और एक दूसरी बात, अभिमान के क्षेत्र में आगे की बात, यहाँ बैठी हुई माता बहन सबको कहना चाहता हूँ, अभिमान की दो भूख, पेट की भूख जो भी हो, अभिमान की दो भूख है। मेरी कद्र होनी चाहिए और जहां भी जाऊं वहां मुझे आदर मिलना चाहिए, यह अभिमान की दो बहुत बड़ी भूख, कभी शांत होने वाली नहीं है। परिवार आदर अने कदर नी भूख, अभिमान नी भूख छे। जहां जाऊ त्या मने आदर मळवो जोईए, अने जहां जाऊ त्या मारा काम नी कदर थवी जोईए। मुकेश एक प्रश्न पूछूं, जस्ट सबका नाम मुझे मानो, इसलिए एक ऐसी टीम थी जिस टीम में तू था, और टीम वर्क होकर के कुछ काम अच्छा बन गया। अमित टीम में सभी का नाम दिया, मुकेश तेरा नाम जानबूझ के नहीं दिया डिक्लेरेशन में। मन में चुभेगा, किस लिए चुभेगा? काम तूने कर दिया, काम सफल भी हो गया, अभी चुभने की जरूरत क्या थी? भले नहीं किया, क्या फर्क पड़ता है? मन में इतना डिस्टर्ब क्यों हो गए तुम? मारी कदर न थी। अमे 10 जना टीम में था, 9 जन नु नाम लीधु, मारू नाम न लीधु। ये होता है ना, क्यों? मैं मेरी बात करूं, जन्माष्टमी के दिन तुमने देखा होगा गोविंद आला चलता है, गुजरात में होगा मालूम नहीं, मटकी फोड़े ना। अभी मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, वो जब जब मटकी फोड़ने वाला ऊपर चढ़ता है, 2 मंजिल 3 4 5 जो भी हो, और ऊपर जाता है 3 4 5 बार गिर जाता है, फिर जाता है, सफल बनता है, उनका फोटो आता है मीडिया में, इनाम मिलता है, सब कुछ। मगर एक बात मैं बताना चाहता हूँ राकेश, जो ऊपर जाता है ना उनको बिल्कुल पता है कि नीचे वाले गोविंदा ने मुझे अपना कंधा नहीं दिया होता तो मैं 100% ऊपर नहीं पहुंच पाता। बराबर है, बराबर है। तो क्या होता है, और वो जो गोविंदा होता है टोटली अननोन होते, तुम्हें मालूम होगा उनका मुंह इस ओर नहीं होता है, किस ओर होता है, अंदर की ओर, किसी को दिखाई भी नहीं पड़ता है। तो मैं इतना ही कहूँगा, एक गोविंदा ऊपर पहुँचता है, लोग वो गोविंदा की भले तारीफ करें, मगर ऊपर पहुँचने वाले गोविंदा को पता है कि नीचे वाले गोविंदे नहीं होते, मैं 100% ऊपर नहीं पहुंचा। मैं मेरी बात करूं, आज मैं कितना भी ऊपर हूं, मेरे हर गोविंदा यदि मुझे कंधा नहीं दिया होता, रत्न अंदर कभी ऊपर नहीं पहुंचता। क्रेडिट उनको देता हूं, मैं इसलिए पहुंचा हूं। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, आपके परिवार को रोज क्रेडिट देते चलो कि तुम हो तो मैं यहां बैठा हूं। मुकेश कभी धर्मपत्नी का बहुमान किया क्या? मामा हूं थी, खोटू बोले हूं नहीं?
ये जो चौको चलावे छे ने, अभी बात टाइम है इसलिए बता दूं, थोड़ी बात बताऊं। बरसों पहले एक लड़का मुझे मिला था जयेश भुज में, माना सर कभी तो गोचरी आओ, ऐसे साधु जन में कोई मजाक नहीं करना था, रोज बढ़ गयो। मैं बोला चलो एक दिन जाता हूँ इनके घर, संडे के दिन गया इनके घर, घर में था नहीं, पत्नी बाहर गई थी, कोई था नहीं घर में, अकेला था और सोया हुआ था। घर में गया धर्मलाभ, वो चद्दर डाल के खड़ा हो गया, माना सर तुम्हें रोज विनंती करते तो आ जाए वो। अरे बोलना तो था, माना सर मैंने साधु है, बोल क्या थे, आ गया। अभी वो हैरान, अंदर गए चौके में गया वो, माना सर सू ले सो मैं छे हूं बोलने, कहीं खबर न दिए थे। ये मैं अनुभव कह रहा हूं। मैं बोला एक काम कर, खाखरा ले। अभी वो खाखरा के लिए 10 डब्बा निकला, किसी में खाखरा निकला ही नहीं, कहां रखा है उतना समझ में नहीं आता है। मैं गर्मी से मत मत कर। अभी साधु जन में मैं क्या बोलूं, फिर भी उनका दिमाग इतना गंदा, मैं बोला देख वो डब्बा अने मत निकला खाखरा। अभी वो खाखरा लिया, मैंने बोला ऐसा ले ले, नहीं 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 माना साहब बिना की का खाखरा थोड़ा चलता है। मैं कह दू ले ले तारी आबरू रेशे हमारा। पाचो घी हो तुम्हारा गये, मां घी ना मरे मारे गोचरी जाओ तू भी दे। मैं यार ले ले, नहीं नहीं माना घी नहीं मिलता है, कहां रखा है उसने, समझ में नहीं आती वो कहां के चल जावे, पत्नी ने गाड़ो देवानी जरूरत थी। घनी मुश्किल ये घी मड़ियो। मैं कह दू एक काम कर घी ऊपर मुकी दे। नहीं नहीं मारा चोपड़ी ना पू, खाकरा टूटी गया चोपड़ भाग। तमारा घरे गोचरिया हूं तो आज तमारी स्थिति से खाली बुद्धि नहीं। हाँ यहां महाराज साहब जाते मुझे सब रिपोर्ट देते, गुरुदेव मजा है लब्धि निदान। हाचू बोलो तमने आवड़े गोचरी वो होता आऊ छू क्या शू कह। हाँ राज गमे तेरे खाखरा बखरा खबर है, अभी मालूम नहीं है तुम्हें। कभी कभी मैं इनकी बात करूंगा, आज तो सिर्फ दो ही बात अभिमान के क्षेत्र में करना चाहता हूं। मने भगवान थी, गुरु थी, बद्दा थी, नजीक जमा देने सता साथे न थमा दे, एक काम अभिमान करे। फरी मार कहू, मने तत्वज्ञानी भाषा में कहू, मने साधना करवा दे, मने समाधि राखवा दे, मने सत्संग करवा दे, पण मने समर्पण करवा न दे, ये अभिमान छे। रिपीट, साधना करने देगा, सत्संग करने देगा, समाधि रखने देगा, मगर समर्पण करने के मूड में अभिमान कभी नहीं रहता है। समर्पण का अर्थ है मैं नहीं बचा हूं, आप ही हो, और अभिमान कभी यह नहीं चाहता है। माने क्रोध का रूट है अभिमान, और अभिमान को कंट्रोल करने के लिए एक ही छोटी सी बात, या तो सामने वाला थोड़ा क्वालिफाइड नहीं है, या तो मेरा पुण्य कम पड़ रहा है, मे बी पॉसिबल है। आज का प्रवचन 4 दिन के बाद आपको असर करे और आप परिवर्तन कर दो, आई विल वेट फॉर योर टाइम। अभी नहीं, थोड़ा समय जाने दो, सब कुछ ठीक होगा। और इस क्षेत्र में लास्ट बात करना चाहता हूँ, दूध में से दही कब होता है मालूम नहीं, आपने जवाब दिया जल्दबाजी का। दूध में जावन डालने से दही होता है वो बात तुम्हारी सही है, मगर जिस दूध में जावन डाला जाता है वो दूध थोड़ा ठंडा होना चाहिए। गरम गरम दूध में तुम जावन डालेंगे दूध तो बेकार जाएगा, जामन भी बेकार जाएगा। बराबर जन, मैंने घना पूछे तमारू मेड़वन केम जामतू नहीं, वो दूध गरम से जी। नंबर 2, अर्पण दूसरी कंडीशन,
ठंडे दूध में चावल डालने के बाद भी दही नहीं होगा यदि बहन वेट करने की तैयारी नहीं रखेगी तो। मालूम है, बर्तन में दूध में चावल डाल दिया और बार 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 ढक्कन खोल के बहन देखेगी दूध दही हुआ 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 नहीं हुआ, क्या होगा, इट विल टेक टाइम, एक और रख दो और अपने आप से दही हो जाएगा। माने नंबर एक, दही दूध में से दही नहीं होता है, नंबर एक उष्णता, नंबर दो अधीराई, माने जल्दबाजी नहीं, इट विल टेक टाइम, और नंबर तीन, जिस बर्तन में दूध डाला है वही बर्तन को बहन हिलाती रहेगी हिलाती रहेगी हिलाती रहेगी तो भी दूध में से दही नहीं होगा। दैट मीन्स तीन कंडीशन। लोभ 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 कर लोभ पाप स्थानक निवारण पूजा पेश क्रमांक 22 अने 23। The
कृष्णा में उलझ गया मन, रह गया मैं प्यासा प्यासा। ले आई किस मोड़ पे मुझको सुख की झूठी आशा। मृग तृष्णा में उलझ गया मन, रह गया मैं प्यासा प्यासा। कृष्णा में उलझ गया मन, रह गया मैं प्यासा प्यासा। ले आई किस मोड़ पे मुझको सुख की ये झूठी आशा। मृग कृष्णा पुरुषाय परमेश्वराय लोभ पाप स्थानक निवारणाय श्रीमति जनेश्वराय जलम चंद्रम पुष्पम धूपम दीपम अक्षतम नैवेद्यम फलम यजामहे स्वाहा। आपके मन में मे बी पॉसिबल ये प्रश्न न उठता हो, मगर आपकी ओर से मैं प्रश्न उठाता हूं। परिग्रह और लोभ, इनके बीच में फर्क क्या है? बड़ा छोटा सा फर्क। मेरे पास जो है वो कम न हो जाए, वो है परिग्रह, और मेरे पास जो है बढ़ता ही रहे वो है लोभ। મારી આગળ જે છે ઓછું ન થાય આ પરિગ્રહ, અને મારી આગળ જે છે હજી વધતું જાય હજી વધતું જાય હજી વધતું જાય આ લોભ છે। આપકી માનસિકતા ક્યાં હૈ પરિગ્રહ કી કે લોભ કી? મેરે પાસ જો હૈ વો કમ ન હો પરિગ્રહ, और अभी जितना है उससे भी ज्यादा उससे भी ज्यादा उससे भी ज्यादा लोभ। परिग्रह को सर्व पाप का बाप नहीं कहा, लोभ सर्व पाप का बाप है। क्रोध मैत्री को खत्म करता है, अभिमान विनय को खत्म करता है, माया विश्वास को खत्म करती है, लोभ हर गुण को खत्म कर देता है। सर्व गुण विनाशनम लोभात। यदि आप क्रोध के शिकार बन गए, मान लेना कि आपके हर गुण खत्म, हर गुण
नम्रता सरलता पवित्रता उदारता सभी क्रोध से सब नहीं जाएगा। प्रेम तोड़े वो क्रोध, विनय तोड़े वो मान, सरलता तोड़े माया, हर गुण को खत्म करे वो लोग। माया में मेरे तीन बात चार तीन स्टेप किया आज, एक भले ही 10 मिनट लगे मैं लोग का क्लैरिफिकेशन कर देना चाहता हूँ। किसी भी पंछी कितना भी प्यासा हो, वो आसमान से ऊपर गया, आज तक कोई भी पंछी पानी देख करके नीचे नहीं आया, वो पानी था सागर का। अमाप पानी देख करके बैठा अमाप, और प्यासा पंछी आसमान से जा रहा है मगर वो नीचे कभी नहीं उतरा। एक छोटा सा तालाब है, तालाब वहां पानी नीचे उतर आया। लोभ सागर का पानी है, सागर का पानी पानी है मगर प्यास कम नहीं करता है, पानी बढ़ाता है। पानी वो होना चाहिए जो प्यास खत्म कर दे, ये पानी है प्यास बढ़ाता है। लोभ परिग्रह समझ में आता है, आज मेरे पास है वो कम न हो। आज एक खाली नानकड़ी बात कर दू, मैंने खबर से नहीं उपड़े, पर लोभना प्रकरण में एक नानी बात करी दू। अत्यारे तमारी अगर जे वस्तु सारा मां सारी छे, एमां एक वर्ष में एक पण नवी वस्तु लाभी नहीं। अभी दुनिया आपके पास जो भी चीज है अभी इन दिस टाइम, चाहे वो कपड़े, चाहे गाड़ी, चाहे मोबाइल, चाहे कोई भी कोई भी, चाहे कितने भी रुपये बढ़ जाए, मगर आप बोलो एक साल तक गुरुदेव इसमें से कुछ नई एंट्री नहीं। क्या अर्पण શું મારે એમ કહ્યું હું કોની સભામાં બોલું છું? એ બહેનો કો પૂછો અને હજી બીજી વાત કરું, ચાલો આ વાતમાં કદાચ તમને ના જાણ, બીજી વાત કરું, એક વર્ષમાં જે ચીજનો ઉપયોગ ના થાય હું દાન કરી દઉં, ક્યાંય શું એકવાર સાપ રાખી દેજો, પ્લાસ્ટિક નો રાખીજો સાપની, આ તમે ક્યાંકથી શોધી લાવે છે સંગ્રહેલો સાપ કામ લાગે, રાખી તો જો એકવાર, એક સાલ તક જો ભી આપને ઉપયોગ નહીં કે વો સાડી કપડે જો ભી હે, એક બાર ભી યુટિલિટી નહીં હોય, દાન કર દો ઉનકો। મુકેશ ક્યાં ગલત કર દિયા મેને? क्या है बे सेनू जे जूनो काढ़ सेनू जे मसलो तकलीफ सुन जाए, दिक्कत क्या है? एक साल में जिनका उपयोग नहीं हुआ खत्म कर दो। अरे एक काम करो, हजी कदा नव वसावु छे तो बैलेंस आटलू ज राखवानू, 15 साड़ी लाबी जाए तो 15 दान में आपी देवानी, संख्या नहीं बतारवानी। एक गाड़ी नवी लावे छे तो एक गाड़ी डोनेशन आपी देवानी लब्धि निदान ट्रस्ट ने। મને લાગે લબ્ધિ નિદાન વાળાને એટેક નહીં આવે, મજબૂત છાતી બધા, જો હે વો કમ ન હો જાય ઓર ઇસસે ભી બઢતે ચલે કહાં જાયેંગે, યે પરિગ્રહ લોભ દોનો દોનો, એક ભી રૂપિયા કમ નહીં હોના છે બઢના છે, એક ભી સાડી કમ નહીં બઢની છે, એક ભી ગહેના કમ નહીં બઢને છીએ, કહાં જાયે? इतना समय होने के बाद भी तुम बैठे तो मुझे लगता है कि एक बात क्लियर कर दूं। चार प्रकार के जीव है, लंबा विवेचन कभी मौका मिलेगा तब करूंगा, आज नहीं टाइम है, मगर फिर भी बताना चाहता हूं। दूसरे को सुखी देखकर
जो प्रसन्न हो, नंबर एक, नहीं मिच्छाम नुकरम, नंबर एक दूसरे को सुखी देख के खुद सुख महसूस करेगा, नंबर एक। हरिवार मारू चाले तो बीजा ने सुखी करी ने जरीश, आ नंबर एक अति उत्तम। भगवान ने यही सोचा था, मेरा चले तो ये परमात्मा बन गए। गुरुदेव मारू चले तो मारी आजूबाजू में जितना छे सुखी करीने रहीश, करो न करो पछीनी वा, पर तमारी इच्छा छे, मारी बाजू में जितना छे आजूबाजू में बधाने सुखी करी दईश। नंबर एक बीजा ने सुखी करीने राजी थाय ए उत्तम छे, बीजा ने सुखी जोईने राजी थाय ए मध्यम छे। उसने सुखी किया नहीं, मगर अपने आप से वो सुखी हो गया, उनको देख के तुमने लगा ठीक हुआ, अच्छा हुआ। बीजा ने सुखी करीने राजी थाय नंबर एक, बीजा ने सुखी जोईने राजी थाय नंबर बे। नंबर त्रण बीजा ने दुखी जोईने राजी थाय ए अधम छे। अधम नहीं समझायो? सुखी करीने राजी थाय, सुखी जोईने राजी थाय, अने त्रीजा नंबर में बीजा ने दुखी जोईने राजी थाय। तमने जेनी साथे मेळ न तो एना जीव में दुख आव्यु, तमे अंदर थी खुश थी गया बेटो, एत लागनो छे। सेलून दिया मुकेश, मने जेनी साथे मेळ न थी एना जीव में आवेला दुख ने जोईने राजी थाउ, अधम छु। अने नंबर चार बीजा ने दुखी करीने राजी थाय, अधमाधम। बीजा ने सुखी करीने राजी थाय नंबर एक, बीजा ने सुखी जोईने राजी थाय नंबर बे, सामाने दुखी जोईने राजी थाय नंबर त्रण, अने सामाने दुखी करीने राजी थाय नंबर चार। पहलो उत्तम, छेलो अधमाधम। खाली एटलू पूछी लो, આપણે બીજા નંબરમાં ખરા, ખાલી બીજો નંબર કયો? બીજાને ખરેખર એમાં આપણે કરા, ખરેખર માનું આમાં લગભગ કે 100% નહીં, હું પુરવાર કરી તમને નીચે પડવા નથી કહેતો, પણ આપણી માનસિકતાની વાત કરું છું। तू जे क्षेत्र में काम करते एक क्षेत्र में तने डिस्टर्ब कर्या विना तारो प्रतिस्पर्धी तारा करता खूब आगळ निकली जाए एने जोईने तू खूब राजी? बोलो आनो जवाब। તારા ક્ષેત્રમાં તને ડિસ્ટર્બ કર્યા વિના, તારો એક એક ઘરાક તોડ્યા વિના ઓલો ઘરાક વધારતો જાય અને ખૂબ તારા સામે સુખી થાય, બહુ રાજી? હે, એ નસીબ નસીબ હું કામ વાત કરે? ખાલી એટલી વાત કરીને રાજી છું? હજી આ નસીબની વાત પણ થોડી છે ને, લાચારી જે કરે તો શું કરે તું? મારે એટલું જ કહેવું છે, એની મેળે ઓલો સુખી તો છે, તે સુખી કર્યો નથી, એની મેળે થઈ ગયો, પણ તારી છાતી ઉપર તારાથી આગળ નીકળી ગયો છે સુખી। અરે છોડો, બીજી વાત છોડો, તમારો સગ્ગોભાઈ એની અલગ લાઈનમાં તમારા કરતા ખૂબ આગળ નીકળી જાય, લોહી ના સંબંધ, ખરેખર સુખી। ભાઈની વાત કરું છું,
मुझे सुन लागे फरी मर को उत्तम घणु तमाना करता अमेरिका मनो सुखी था ये सांभव जरूर पड़ोसी सुखी थी गो पड़ोसी सुखी था तो तने हूँ तकलीफ पड़े एक बहन ने अपने पति से शिकायत कर दी थी को हम किराए के घर में रहते हैं सामने वाली बहन भी किराए के घर में रहती है वो 300 रुपया किराए का घर है अपना 150 का है पति ने बोला क्या करना थी वो वन रूम किचन है अपने भी वन रूम किचन है जगह तो कोई फर्क नहीं मगर उसने कहा जब दो बहन खड़ी इकट्ठी होती है तब इंप्यूरिटी कॉम्प्लेक्स महसूस करती हूँ आप कुछ करो पति ने बोला मेरी सैलरी नहीं है कि मैं 300 किराए में जाए यही है कोई माने नहीं उसने बोला घर बदल दो कहाँ जाऊँ वन रूम किचन में बड़ी मुश्किल है कहाँ जाऊँ और एक दिन पति खुश हो गया उसने बोला क्या तुम दिक्कत क्या है जब हम दोनों इकट्ठे होते तो मैं सहन नहीं कर पाती वो बोलती है मेरे मुझे डिस्टर्ब करने के बजे देखो 150 के किराए में रहती मैं 300 के ये बार बार मुझे डिस्टर्ब करती है और एक दिन पति खुश हो गया है अब से तेरी समस्या खत्म क्या हो गया बस एक ही हम जिस मकान में रहते उनका किराया 300 कर दिया तो क्या ठीक है मजा आ जाए एना 150 रुपया पगार ना कपाई गया नहीं चिंता नहीं थी ये हमारा मन है मैं रिपीट करना चाहूंगा मनडू किमही न बाजे वो कुंतू जी ने मनडू किमही न बाजे जीम जीम जतन करी ने राखो तिम तिम अलगू भाजे बहुत प्रयास करता हूं इनको पकड़ने का मगर भगवान मेरे बस में नहीं है बीजा ने सुखी करी ने राजी थाए बीजा ने सुखी जोई ने राजी थाए बीजा ने दुखी करी जोई ने राजी थाए अने दुखी करी ने आजना माहौल में इतना पचकान करी ने जजो गुरुदेव पहला नंबर में अमरु स्थान नहीं पण होय पण जिंदगी में क्यारे चौथा नंबर में तमे नहीं अजाव्यो मारी सामे पड़ेला ने हूँ दुखी करी दू गुरुदेव ये तो विचारी पण नहीं सकूं नहीं बाकी केटलो सारो रही सकीश खबर नहीं पण कोई ने हूँ दुखी करीने राजी तो साहेब ए भूमिका में तो क्यारे पण नहीं आवे इतनी मानसिकता बनाएंगे बहुत इजी होगा काम अडार पाप स्थानक जीवाणु स्थान में 9 वगे थी 10 वगे सुधी आटली स्थिरता साथे बेसवानो उल्लास साथे खूब आनंद सागर ने सांभळ्यु त्यारे पण मने एनी ईर्ष्या आवे आवो कंठ अद्भुत कंठ खाली माथू हलावे ने पग हलावे कंठ नथी हृदय हलावी दे आपने विचार करता करी मूके ए लयमां ज्यारे बोलातो होय त्यारे पंक्तिनी साथे जातनु ऑब्जर्वेशन करोन मन थाय आ लोभ में हूँ क्या आ माया में हूँ क्या आ क्रोध में हूँ क्या अने त्यारे आ यात्रा शब्द यात्रा पद यात्रा अर्थ यात्रा न बनता भाव यात्रा बनी रहे ये पहले दिवसे बात करी थी पग चाले थे पग यात्रा कान चाले थे शब्द यात्रा मन चाले थे अर्थ यात्रा અને હૃદય ચાલે એ ભાવયાત્રા ખાલી 9 થયા 10મે રાગ 11મે દ્વેષ એટલા અદ્ભુત આ પાપ સ્થાનકના વિવેચન છે એટલા અદ્ભુત આપણને એમ થાય ગુરુદેવ આ તો હું દૂર કરી શકું છું આ દૂર કરી શકું છું એ કેવી રીતે આ દૂર કરી શકાય એની વાત આવતા રવિવારે હજી 2 રવિવાર સુધી આપણી 18 પાપ સ્થાનક 9 થયા 18 હજી 9 બાકી છે આવતા રવિવારે આગળ અને ક્વિઝ છે નહીં નામ નથી આવે પચકાણ ઉપવાસ
प्रवचन सार मंगल मंगल प्रधान चंचलता है, अस्थिरता है। कई लोग मुझे पूछते मन से 50 वर्ष दी समय कर जो जी जानती कम दी, दैट मीन्स जल्दबाजी है। तो तीन कंडीशन को जब आंख के सामने रखेंगे, मैं दावा के साथ कहना चाहता हूँ, आपका ईगो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। मैं गुरुदेव के साथ जम गया, इनका एक ही कारण था, अपना मैंने कभी कुछ रखा नहीं, और तब आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। फरी बार कह दूँ, क्रोधमा साधना थसे, क्रोध कराया पी पर तुम समर्पण हजी कर सकसो, अभिमान समर्पण नहीं करवा दे। क्रोध करता पण अभिमान खराब छे, ए समर्पण करवा दी आपने दूर रखी दे। गुरुदेव साचा पण हूँ मानु छू, ए पण साचू, भगवान साचा, मारी आइडेंटिटी छे। आ अभिमान आपने समर्पण थी दूर रखे, अने समर्पण ज्यां सुधी नथी थतुं, फरी नदी ने सागर सुधी पहुंचता वार लागे। नदी को सागर तक पहुंचने में देर होती है, मगर नदी को सागर बनने में देर नहीं होती है। नदी को सागर तक पहुंचने में देर होती है, मगर नदी को सागर बनने में देर नहीं होती। ऐसी गिरी और सीधा सागर में कन्वर्ट। सत्संग तक जाने में डिफिकल्टी हो सकती है, मगर यदि हम समर्पण करके बैठे, अरियंत ना ध्याने अरियंत बनी जिसो, चिननी भक्ति करता करता जिन बनी जिसो। फिर से कहूँगा, क्रोध और अभिमान, अभिमान का ये पाप समर्पण नहीं करने देगा। मेरे में जो है इनके आप मालिक तब तक नहीं बन पाएंगे जब तक आपके पास समर्पण का भाव नहीं होगा। दो पाप अभी भी, माया और लोभ। 11:20 हुई है, 12 इस प्रोग्राम को वाइंड अप कर दूंगा बराबर। अभी तो चलो एक बजे तक चलेगा ना सबको, आप सब विनती करोगे तो गुरुदेव रुक जाएंगे। पिक्चर कितना भी होता है अपने टाइम पे पूरा होता है। चलिए, मान पाप स्थानक निवारण पूजा पेज क्रमांक 18 और 19। माया के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी गंभीर बात करना चाहूंगा, खास कारण हो तो कोई खड़ा मत होना, ये बार बार ये प्रसंग नहीं आएंगे। चालू प्रवचन में ये बात डेप से नहीं चलेगी, अभी मैं करना चाहूंगा, पहले सागर को सुन ले। मान सुबह साने पड़ पड़े मो
ये स्तवना बदा साथे गाइए अपने। एहसान किया जो
पुरुषाय परमेश्वराय मान पापस्थान निवारणाय श्रीमती जिनेश्वराय जलम चंदनम पुष्पम धूपम दीपम अक्षतम नैवेद्यम फलम यजामहे स्वाहा। एक विशेष स्तवन जिसे पिछली बार लिया तो था पर आज उसका एक अलग आपको और बेहतर रंग देखने को मिलेगा। जो पिछली बार मेरे नाथ हो तुम इस स्तवना को आपके सामने प्रस्तुत हमने किया था उसे आज फिर से गुरुदेव का काफी पसंदीदा ये स्तवन है आचार्य भगवान श्रीमद विजय मोक्षरति विजय जी महाराज स्वाम द्वारा रचित ये स्तवना और अडार पापस्थाना की पूरी पूजा भी। तो आइए इस स्तवन के साथ में आप भी आनंद दीजिएगा। मेरे नाथ हो तुम मेरे साथ हो मेरे नाथ हो तुम मेरे साथ हो तुम मेरे नाथ हो तुम मुझे अब किसी I'm gonna go.
તાળીઓ થઈ શકે આપણે સાથે. एक लाइन बोलेंगे, मेरे नाथ हो तुम मेरे साथ हो तुम, ठीक है? मेरे नाथ हो तुम मेरे साथ, मेरे नाथ हो. बहुत सुंदर. आप सबकी भी बहुत बहुत अनुमोदना और गुरुदेव के चरणों में वंदन. माया के क्षेत्र में जाने के पहले फोर स्टेप मल्टीप्लाई थ्री, चार स्टेप में बार बात एकदम दिल को ऑब्जर्व कर देना. माया का अर्थ है जो नहीं है वो दिखाने का प्रयास.
जो है उजे छुपाना, जो नहीं है उजे दिखाना। नंबर एक, आप हां बोलो या तो ना बोलना, मैं सबको पूछूंगा और ये बुद्धि का जवाब मत देना, सीधा हृदय का जवाब। बुद्धि आएगी फिर माया होगी, हम हृदय से बात करेंगे। नंबर एक, मैं सुखी नहीं हूं। आप एग्रीड हो तो ही मुझे बात करना। माया, सीधी बात, मैं दुनिया क्यों क्या दिखा रहा हूं वो नहीं बताना चाहता हूं, मगर मैं गुरुदेव भगवान यदि मुझे पूछे तो निश्चित सुखी है, तो मेरा ये जवाब होगा, गुरुदेव मैं सुखी नहीं हूं। अब मेरे साथ मैं इसलिए सुखी नहीं हूं कि मेरे पास धन्यवाद का भाव कम है और शिकायत का भाव ज्यादा है। नंबर एक, मोर कंप्लेन लेस थैंक्स गिविंग। यहां बैठने वाले सभी को, चाहे मैं मुनि हो तो मुनि, चाहे मैं आचार्य हो तो आचार्य, मेरी भी बात मैं आपके साथ माया के स्तर में करना चाहूंगा। आप दावा के साथ बोल सकते हो, गुरुदेव मेरे जीवन के लिए मुझे कोई शिकायत नहीं, धन्यवाद का भाव बहुत कम और शिकायत का भाव ज्यादा, वो कभी सुखी नहीं हो सकता है। अब एक एक चीज, 12 स्टेप की बात करना चाहूंगा माया में। नंबर एक में अमित हम कहाँ है, मास के बीच में हम जो बोलते हैं वो मुकेश नहीं है, मास के बीच में, लोगों के बीच में, आईएमपी मुझे कोई कंप्लेन नहीं, वो मत बोलना। रात को 12 बजे अकेले जाग गए और मन में थैंक्स गिविंग का भाव ज्यादा रहता है या शिकायत का भाव, गाड़ी है मगर वो गाड़ी नहीं है, बंगला है मगर ऐसा बंगला नहीं है, फर्नीचर ऐसा नहीं है, ट्रस्टी बन गया मगर प्रेसिडेंट नहीं बना, तो ये कुछ कमी खलती है। नंबर एक, मैं सुखी नहीं हूँ। नंबर दो, मैं सुखी बनना भी नहीं चाहता हूँ। सेकंड स्टेप, आप मेरे साथ हो तो आप बोलना, मैं सुखी हूं नहीं और मैं सुखी बनना चाहता भी नहीं। अब मेरे साथ आई वुड लाइक आंसर फ्रॉम यू, मैं सुखी हूं नहीं हो तो बराबर है, मगर मैं सुखी बनना चाहता भी नहीं। माया के सब्जेक्ट में कन्फेस करना बहुत मुश्किल आ जाएगी, ये कन्फेस। भगवान आप किसके वहां आएंगे, साधु बनेंगे वहां आएंगे तो कि नहीं, मांस कमण किया वो इनके हृदय में आएंगे नहीं, 5 करोड़ का मंदिर बना उसके घर पे आएंगे तो कि नहीं, आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे उसके वहां आएंगे तो नहीं, तो भगवान आप आएंगे कहाँ। और भगवान एक विशेषण दिया, मैं उनके वहां जाऊंगा, सरल तरण हीड़े जी आवे एम जनावे बोली जी, जो सरल होगा कुटिल नहीं होगा इनके हृदय में मेरा प्रवेश होगा। सरल निर्मल नहीं, निर्मल नहीं है सरल, मैं पाप मुक्त हो गया वो निर्मल, और मैं जैसा हूं ऐसा आपके सामने पेश आ गया वो सरल। आज इतनी बड़ी सभा में आपको पूछना चाहता हूं, मैं सुखी नहीं हूं और मैं सुखी बनना भी नहीं चाहता हूं, मुकेश हां की ना,
तो सच बोलो उसमें आपको रोकने वाला कौन है। मैंने पहली कंडीशन रखाई, आपके पास थैंक्स गिविंग का भाव ज़्यादा तो आप सुखी, आप बनना चाहते हो शिकायत बंद कर दो कल से सुखी, आप चाहते हो सुखी बनना। भक्ति युगाचार्य यशोवी जी श्री महाराज, आपके दादा गुरु महाराज थे भद्र सूरी महाराज, वो जमाने में आँख का ऑपरेशन था, एडवांस टेक्नोलॉजी वो टाइम थी नहीं, बड़े मेहनत के साथ ऑपरेशन करने के बाद दोनों आँख चली गई, डॉक्टर ने पट्टी बांधी दी खोली, अंगुली दिखाई, माने से भी कितना दिखता है, बद्रुष मैंने कहा कुछ नहीं, डॉक्टर चिंता में आ गया, ये क्या हो गया, माने से 8 दिन के बाद आता हूँ फिर देखता हूँ, 8 दिन के बाद आए और ओमकार सुनी महाराज को एक कोने में ले जाकर के डॉक्टर ने बोला महाराज साहब लगता है कि आपके गुरुजी का विजन जिंदगी भर नहीं आएगा, और ये बात भद्र सिनेमा ने गद्दी पे संतान पे सुते सुते सुन ली। डॉक्टर बोले डॉक्टर साहब तमें बात शू करी, डॉक्टर का पेशेंट खुद बोले तो भी क्लियर बिकन कर ही दो। तब डॉक्टर ने कहा गुरुदेव मैंने बहुत कुछ प्रयास किया मगर लगता है कि आपका विजन अभी जिंदगी भर तक नहीं आएगा, आंख चली गई आपकी। पूज्य बाद आचार्य भगवान ओमकार सिमान ने विद्याशाला में मुझे बात बताई थी, रत्न सुंदर महाराज जैसे ही भद्र सिमा को पता चला मेरी दोनों आंख चली गई है जिंदगी भर तक अभी आएगी नहीं, तब भद्र सिमा का रिएक्शन वो था डॉक्टर साहब चिंता मत करो बे आँख हती ने त्यारे ज्ञान योग में गयो बे आंख गई हमें ध्यान योग शुरू करीश। ये नो कंप्लेन बट थैंक्स गिविंग, हूँ सुखी छू पड़ी ने मारे सुखी थवू पण नथी, अने त्रीजा नंबर की बदमाशी मारे सुखी देखावू छे। ये 3 स्टेप पहले नंबर के 1 2 3 मैं सुखी हूं नहीं, मैंने सुखी बनना भी नहीं है, मगर दुनिया के सामने मेरी आइडेंटिटी में ये कहूंगा मेरे जैसा सुखी कोई नहीं है। ये है माया, हम जैसे वैसे दिखाने के लिए हम तैयार क्यों नहीं है। एक बात कह दूं, सारा देखावानी जितनी मेहनत करिए जेना लाखमा भागनी मेहनत सारा बनवानी करिए आपणे सारा बनी जाइए। अच्छे दिखाने की जितनी मेहनत है उसमें 1% मेहनत भी अच्छे बनने की हो, हम 100% अच्छे हो सकते थे बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दी। एक बात आपको पूछना चाहता हूँ, गटर को साफ करना सरल है या गट्टर पे टक्कर लगाना देना सरल है, वॉट इज इजी? भाई ये टक्कर वो ही माया है, हमारी अंदर की गटर को साफ करने में बहुत बड़ी चैलेंज है, और हम ये नहीं चाहते गटर को साफ करें, हमसे ना एक बार गटर पर माया का टक्कर लगा दो, मैं तो गुरुदेव बहुत अच्छा हूं। मैंने पहली 3 बात बताई उसमें आप सम्मत हो, मैं सुखी नहीं हूं, मैं सुखी बनना भी नहीं चाहता हूं, मगर दुनिया के नाम सामने मैं सुखी देखना चाहता हूं, आप में किसी को विरोध? अमित क्या हो गया? आप ये बोलेंगे गुरुदेव 4 गाड़ी 5 बंगले इतना करोड़ का टर्नओवर और
इनके साथ सुख का कोई संबंध नहीं है। सेठानी के वहां नौकरी नहीं आती थी काम करने के लिए, सेठानी से ज्यादा प्रसन्न वो थी। एक दिन सेठानी ने पूछा, चार महीने के बाद घर में कोई नहीं था, और नौकरानी को पूछा कि एक बात बहन बताएगी तो, कि क्या तेरी साड़ी का कोई ठिकाना नहीं, तेरे बाल का ठिकाना नहीं, नंगे पैर चल के आती, तेरे में कोई चप्पल भी नहीं, शरीर पे गहने भी नहीं, और मेरे से ज़्यादा तू मस्तक क्यों रखती है, तेरे चेहरे पे कभी शिकायत नहीं आई, हमेशा प्रसन्न प्रसन्न प्रसन्न, बात क्या है। और नौकरानी तो नौकरानी थी, उसने सेठानी को कहा, माँ सच बताऊं कोई नहीं है घर में, मैं सच जानना चाहता हूँ मेरे से तू मस्तक क्यों है। नौकरानी ने सेठानी को इतने कहा, माँ मैं मेरे जीवन की टैरी कभी आपसे नहीं करती, मेरे जीवन की टैरी में कभी ये कपड़े मेरे बराबर है, आपकी होगी साढ़े 10 लाख की, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके शरीर पे गहने में जो भी हूँ मजे में हूँ। सेठानी को बैठ की बात, ये बात सही है, मैं इसके लिए सोचती हूँ कि मेरा बंगला देख के वो दुखी होगी मेरी साड़ी देख के, और वो बोलते मैं कभी टैली करती नहीं आपसे, और इसलिए मैं सुखी हूँ। और सेठानी को न मांगे भी राय दे दी उसने नौकरानी ने, माँ मैं आपको देखती हूँ इतने महीने से, आप दुखी हो। हाँ मैं दुखी हूँ, इसलिए तो मैं तुझे पूछती हूँ कि तू सुखी कैसे। नौकरानी ने बता दिया खुद का राज, और सेठानी को उनका राज दिखा दिया, माँ मैं दुखी इसलिए नहीं हूँ, मैं टैली आपसे कभी करती नहीं हूँ, और आप सुखी होना चाहती हो तो एक काम करो, मेरे से आपकी टैली करते चलो। मुकेश आगे चलूं, इस सभा के बीच में खड़ा होकर बोलने की हिम्मत है कि मैं सुखी नहीं हूं। क्या दिक्कत है इस सभा के बीच में खड़ा होकर बोलने की हिम्मत है कि मैं सुखी नहीं हूं? प्रकाश क्या हो गया? मैं फिर से कहूं, सुखी होने का एक ही राज आपके पास, थैंक्स गिविंग है यू आर हैप्पी, और कंप्लेन है यू आर अनहैप्पी। कोई चीज सब छोड़ दो, गाड़ी बंगले है कि नहीं, झोपड़पट्टी में रहते हो, प्लस एरिया, कोई हर चीज छोड़ दो, आप यह बोलो कि गुरुदेव हमारे पास कोई शिकायत नहीं, रियली वी आर हैप्पी, मैं मान लूंगा। मालूम है, जानना चाहता हूं अभी शिकायत कौन सी है, यदि है तो अहियां बैठेला ने बीजू तुम्हारे हम फरियाद हो तो सैनी से मने घनी वार लगे मारे तमने पूछू जो साता मां छो। आपको शिकायत किसकी, मैं इतना ही पूछना चाहता हूं। क्या हुआ, किसके लिए मानो, क्या कमी है, क्या कमी है इसलिए शिकायत है? क्या बोला? एक बात कहूं तो सारी बात करी, जेनी अगर ओछू हो एने सुखी करी सकाय, जेने ओछू लागे एने भगवान सुखी न करी। आप ये बोलो कि 10 रोटी की भूख है, 8 रोटी में 2 रोटी दे के आपको स्वस्थ बना सकता हूं, मगर थाली में कितनी भी रोटी होने के बाद बोलते कि मेरी भूख ऐसी है, तो तीर्थंकर भगवान भी आपको सुखी नहीं। फिर से, जिनके पास कम है उनको सुखी कर सकते, जिनको कम लगता है उनको कोई सुखी नहीं कर सकता। नंबर एक, हूँ सुखी नहीं, मारे सुखी थवू पण नहीं, पर दुनिया नी वच्चे मारे सुखी देखावू छे। नंबर बे, हूँ दुखी छू,
तीन करोड़ की गाड़ी में जाने वाले को पूछो कि साला तू दुखी है, चाका मार देगा तू। वी एग्री, ये माया से मुक्त हो जाओ, अभी तो हो जाओ मेरे सामने। महाराज से मैं दुखी हूं, 12th सेट में 4th नंबर, नंबर 1, 3, 1, 2, 3 सुखने के अंदर मारे कि नहीं, सुखी नदी सुखी तबु नदी सुखी देखा हुआ है, नंबर 2 हूँ दुखी छू मारा से, कारण के गम्मे तेटू आपो तो पर मारे घर फरियाद सिवाय कहीं नहीं। एक शिकायत थी, गाड़ी नहीं है मेरे पास, गाड़ी आ गई तो दूसरी शिकायत आई, नई गाड़ी नहीं है, नई गाड़ी है तो तीसरी शिकायत हुआ ही, बाजू वाले के पास है वो नहीं है, माने अपनी जगह पे शिकायत रही, गाड़ी नई थी, गाड़ी सेकंड हैंड थी, गाड़ी नई नहीं थी, वो शिकायत आगे चलती है, माने सब हूं दुखी छू, हा पड़ो नहीं तो ना पड़ो, साचू। नंबर 5, मारे जिंदगी बड़ दुखी रहू छे, मारा से यू आर इंटरेस्टेड इन धीस। अने नंबर 6, मारे दुखी देखाव नथी, हूँ दुखी छू, मारे आखी जिंदगी पर दुखी रहू छे, अने छता मारे दुखी देखाव नथी। साચું બોલો, તમે કયા એરિયામાં જાઓ તો તમે સુખી રહેશો? ક્યા હુઆ, કોણ સે એરિયા મે જાને કે બાદ તુમ સુખી હોંગે? પ્રકાશ ક્યા હુઆ, मैं तो कभी समझ नहीं पाता हूँ, फिर भी इस एरिया का भाव थोड़ा ज्यादा है, माने किसके हिसाब से, किसके हिसाब से नहीं बोलो, मैं नहीं समझ नहीं पाता हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ। सच बताऊँ, यहाँ जितने जैन, इससे ज्यादा तो पोल में जैन थे, તમે જૈન લોકાલિટીને માટે આવ્યા હોય તો પોળમાં અને પાલડી વિસ્તારમાં જૈનો અહીંના કરતા ઘણા છે, પાછા જવું છે મારી, અમે તો સીધું બોલિયાર મૂકે દે, જૈન લોકાલિટી વિશે ભાઈ આવે છે હજી ગપ્પા મારે, જ્યાં થે વો છોડકે યા ક્યુ આયે, બસ ઇતના જવાબ છે આપસે, વહાં ક્યાં કમી થી ઓર યા ક્યાં જ્યાદા મિલ ગયા, वहां क्या नहीं था और यहां क्या मिल गया बताओ तुम, कौन आपे जे मान? अरे तुमने देखा नहीं है, तुमने पूछा तो मजा आ जाएगी, बताऊं, मैं चंदनवाला में था, चंदनवाला अपार्टमेंट मुंबई, अभी तमने एवं ना लागू अमारी फिल्म उतारू छू, तुम्हारी जो देखा तुम्हारा अभिमान क्या, कौन ठिकाता है तुम्हारे, किसको पड़ी है तुम्हारी, मैं चंदनवाला अपार्टमेंट में था और रोज 9 से 10 प्रवचन चलता चंदनवाला, और 10 में 5 को निकलता था शिपा नगर प्रवचन जाने की रोज, और रोज वो शिपा नगर चंदनवाला एरिया में झाड़ू मारने वाला होता है, झाड़ू मारने वाला, जूना जमाना नहीं बात, झाड़ू मारते थे गेल, हमें तो बताने मड़िए ने, एक दिवस वो झाड़ू मारना वो घरडो हो तो हमारी जुबान आ गई, मैंने जो किया ये चेंज हो गया, ऐसे 2 दिन 3 दिन जाने दिए, मगर वही का वही था, तब मैंने पूछा तू नवा वाला रे, हाँ मारा से, मैं तो यहाँ केम झाड़ू मारे तू, यहाँ हम कहीं खबर न पड़ी, तुम्हारे सांभू जाए, तब बहुत मोटा एरिया में हमें सांभू जाए, कहूँ छोकू ये झाड़ू वाला मैंने जवाब आप, कहूँ साहेब आ चंदनमाला है, मार ससरा मैंने करियावर में आप, પલ્લે પડ્યું કઈ કે પાડું હજી,
સમજાવ્યું કે ખુલ્લું હજી ખુલ્લા કરું. સાહેબ અત્યાર સુધી મારા સસરા ઝાડુ મારતા હતા, લગ્ન છે ને, મને કરિયાવરમાં આપ્યું, ચા ચંદન બાળા તારું. એક એક પ્લેટના પૈસા નથી, આખું ચંદન બાળા. ઝાડુ વાળો તમને કરિયાવર મળે છે, હું તમે લોકાલિટીની ઠોક્યા રાખો છો. અને મને પૂછો તો આના કરતા ત્યાં ઘણું વધારે સારું હતું તમારી આગળ. દેરાસર ઉપાશ્રય સાધુ સ્વામીની ભક્તિ સુપાત્ર દાન પાઠશાળા આંબેલ કદું બધું પાપ હતો, અહીંયા કેમ આવ્યા? મને ઘણા પૂછે સાહેબ તમે કેમ આવ્યા, તમારા કારણે આવ્યો. કોઈ સ્ટેટસ મને કઈ દેખાતું નથી. મેં આપકો બતાઉં સ્ટેટસ કે બાદ મેં ભગવાન કે આ શાસન કા સાથ હું મેરી પાંચમી મીટિંગ ધીરુભાઈ અંબાણી કે સાથ જબ થી કહીં રુકો કભી રુકો વો કિતા પટકે મુજે મિલને કે રહે થે 1 2 3 4 5th પાંચમી મીટિંગ મેં ધીરુભાઈ કો મેને પૂછા થા દિલ સે હમ દો હી બેઠે થે ઓર ધીરુભાઈ કો મેને પૂછા થા ધીરુભાઈ ઇસ ગલી કે બહાર સે બાજુ કે ગલી મેં સે આપ જાઓ આપકો કોઈ પહેચાનને વાલા હૈ. ધીરુભાઈ ના બોલ દિયા, ગુરુદેવ ઇસ જીવન અબજી જ્ઞાન મંદિર કી ગલી મેં આયા હું તો ભી મુજે કોઈ નહીં પહેચાનતા હૈ. તો ધીરુભાઈ કો મેને પૂછા ના ધીરુભાઈ રિલાયન્સના માલિક આ બાજુની ગલીમાંથી તમે જાઓ તમને ઓળખતું નથી, મને કોલ્હાપુરમાં બધા ઓળખે છે. સાચ બોલો આપકો પહેચાને વાલે જાદા કે મુજે પહેચાને વાલે જાદા, ક્યાં હૈ મેરે પાસ. દૂસરે નંબર કા સ્ટેપ નંબર એક, હું સુખી નથી, મારે સુખી થવું નથી અને મારે સુખી દેખાવું છે. નંબર બે, હું દુઃખી છું, આખી જિંદગીભર મારે દુઃખી રહેવું છે પણ મારે દુઃખી દેખાવું નથી. નંબર ત્રણ, હું ધર્મી નથી. બહુ કડક વાત, એગ્રીટ કરને મેં પાણી ઉતરી દેગા મગર માયા સે મુક્ત હોના હૈ ઇનકે સિવા કોઈ ચારા નહીં. નંબર તીન, મારા સાહેબ મેં ધર્મી નહીં હું, ઇસે ભી જ્યાદા બાત મેં ધર્મી બનના ચાહતા ભી નહીં. અને નંબર તીન, મેં ધર્મી દિખાના ચાહતા હું. મેં ધર્મી નહીં હું, મેરી વર્તમાન તબકી ઓલી, મેરી અષ્ટપ્રકારી પૂજા, મેરી સામાયિક, મેરા પ્રતિક્રમણ દેખ કરકે કોઈ ધર્મી મુજે માંગ સકતા હૈ, વો મેરી ધર્મ ક્રિયા હૈ, મગર ધર્મી બનના ઓર બહોત બડી ચેલેન્જ હૈ. ગુરુદેવ અપને આપ જો ઓબ્ઝર્વ કરતા હું તો લગતા હૈ ગુરુદેવ મેં ધર્મી હું નહીં ઓર મેં ધર્મી બનના ભી નહીં ચાહતા હું. હમ ઇસકે સાથ સંમત, ગુરુદેવ મેં ધર્મી બનના ભી તો નહીં ચાહતો. ઓર નંબર તીન, મેં ધર્મી દિખાના ચાહતો. યે મેરા સ્ટેટમેન્ટ યદિ આપ બોલતે સહી હૈ તો મેં આપસે ઇતના પૂછના ચાહતા હું, મેં ધર્મી નહીં હું વો માફ, મગર ધર્મી બનના ક્યું નહીં ચાહતા હું. મેરી પવિત્રતા, મેરી પ્રસન્નતા, મેરી સરળતા, મેરી ઉદારતા યદિ મેં બનના ચાહતા હું, મુજે કોઈ રોકતા નહીં ગુરુદેવ. વાય આઈ એમ નોટ રેડી ટુ ધેટ. મેં ગુરુદેવ મંદિર નહીં જા પાતા હું ક્યુકી મંદિર મેરે દૂર હૈ, ઠીક માન દિયા, મગર મેં પ્રસન્ન રહેના ક્યું નહીં ચાહતા હું. મેં સાધના નહીં કરી સકતા હું મગર સમાધિ ક્યું નહીં રખ સકતા હું.
आज इतनी बड़ी सभा के बीच में इतना सीधा प्रश्न, Why I am not ready to, मैं धर्मी बनना क्यों नहीं, फिर यह प्रवचन क्यों, फिर यह चातुर्मास क्यों? मैं फिर से कहना चाहता हूं, मुझे धर्मी बनना है, कोई रुकावट करने वाला नहीं है, बट आई डोंट विश, मेरी गलती करने वालों को माफी दे दूं, मैं धर्मी बन गया, मैं माफी देना ही नहीं चाहता गुरुदेव। मालूम है गुरुदेव उसने मेरे साथ क्या किया? अरे तू क्या लेकर, धर्मी बनना है ना, छोड़ दे यार, खमी अवम खमावी अवम, ये धर्मी है, जो क्षमा मांग लेता है क्षमा देता है वो धर्मी है। वाई वी आर नॉट रेडी फॉर देट? मेरी देवरानी ने मेरे साथ क्या किया, मेरी सास ने क्या, ये अरे अष्ट प्रकारी पूजा करने वाली तू और ये दे, तेरी सास ने क्या किया, वो अंदर लेकर के बैठी है। बड़ी पीड़ा है गुरुदेव, में धर्मी बनना भी तो नहीं चाहता हूं। टोटली इंडिपेंडेंट टू मी, मैं ही कर सकता हूं, आप मुझे कुछ नहीं कर सकते। एक छोटा सा प्रश्न, प्लीज कमेंट मत करना, मैं सिंसियरली बात करना चाहता हूं। एक छोटी सी बात, आपके घर में शादी का प्रसंग हो, आपके बेटे की शादी हो और तुम पत्रिका लिखते हो, और पत्रिका लिखते लिखते राकेश एक बात बीच में आती है, कार्ड होता है, कार्ड या भोजन समारंभ होता है, और भोजन समारंभ तुम ये प्लस माइनस करते हो, आप दो ही आओ, सब परिवार आओ, कमेंट मत करना, और आप दो को ही बुलाते हो, आपका बेटा बाजू में है और आपको बोलते हैं पप्पा हमारी वाड़ी बहुत बड़ी है, आर्थिक संपन्नता हमारी पर्याप्त है, अनब सनब पैसा लेकर के बेटे, मैं आपका इकलौता बेटा हूँ, मेरी शादी है, आप इनको दो को ही क्यों बुलाते हो? बेटा इनके घर में इसके बेटे की शादी थी, उसने दो को ही बुलाया था। ये हिसाब किताब तुम यदि अभी तक कर सकते हो क्या? ये चलता है मन में? मालूम है पूछना चाहूं, ये चलता है कहीं? मैथमेटिक्स ये चलता है? उसने दो को ही बुलाया था, हम उनके परिवार को क्यों बुलावे? चलता है पूछना चाहता हूं, वाई? चाहे उनका कोई भी कारण होगा, मर जाए, जो भी मजबूरी होगी, उसने दो को, हम सबको बुलाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? हम धर्मी बनना भी नहीं चाहते, एक छोटी चीज को लेकर के निगलेक्ट करना नहीं चाहते। ओके, उसने जो किया मैं नहीं करूंगा, वो इतनी बड़ी सभा में तुम 12 बजे तक बैठे, तो मैं जानना चाहता हूं व्हाई वी आर नॉट रेडी टू बी, आपने धर्मी थमा केम तैयार नहीं, एक मिनट में तुम्हें धर्मी नहीं सको। ये मंडप, ये 18 बाबर स्थान का विधान, यदि हम इतना भी करना नहीं चाहते, देन फॉर व्हाट? साहेब हूं पूजा नहीं करी सकू, कहीं नहीं प्रसन्न रही सकीस, साहेब मांस खमण नहीं करी सकू, मैं तपस्विनी निंदा क्या रही नहीं करूं, मैं धर्मी हूं नहीं, धर्मी बनना भी नहीं चाहता, धर्मी दिखाना चाहता हूं। 1, 2 और 3, 3 मल्टीप्लाई 3 = 9, नंबर 4 मैं पापी हूं, पूरी गंदगी सब अंदर लेकर के बैठा हूं, और मौका मिल जाए तो मैं इंप्लीमेंट भी कर सकता हूं। नंबर 4 नंबर का स्टेप, मैं पापी हूं और पापी जिंदगी भर रहना भी चाहता हूं।
नंबर 11, नंबर 10 में पापी हूँ, नंबर 4 में पापी रहना चाहता हूँ और नंबर 5 मैं पापी दिखाना नहीं चाहता हूँ। मने कोई पापी कह जाए साहेब हालत बगाड़ी ना कोई नहीं। ये माया से मुक्त होना है तो ये कन्फेस करना ही पड़ेगा। हूँ सुखी नहीं, હું ધર્મી નથી, હું દુઃખી છું અને હું પાપી છું, પણ દેખાવા નથી માંગતો। સંસ્કૃત શબ્દ માયા છે, માં કા અર્થે નહીં ઓર યા માને જો, જો હૈ નહીં વો દિખાને કા પ્રયાસ વો હૈ માયા। માયા કા યે અર્થ હૈ, માં માને નહીં યા માને જો, જો હૈ નહીં વો દિખાને કા પ્રયાસ વો હૈ માયા। અને તમારી ભાષામાં તમને કહી દઉં, અધ્યાત્મ સાર નામ કે ગ્રંથ મેં પૂજ્યપાદ ઉપાધ્યાય શ્રી મને એક શબ્દ લિખા હૈ, લોખંડની નાવડીમાં બેસીને હજી સાગર પાર પામી શકાય, પણ માયા સાથે સંસાર સાગરનો પાર ક્યારેય ન પામી શકાય। લોખંડની નાવડીમાં બેસીને તમે સાગરનો પાર પામી શકો, પણ માયા કરીને છુપાવીને તમે જેમાં એક એડ્રેસ તો રાખો, એક બધાની વચ્ચે નહીં, વન એડ્રેસ। ગુરુદેવ દુનિયા કે સામને મેરી જો ભી છબી હો આપકે સામને મેં નેકેડ હો જાઉંગા, જૈસા હું વૈસા। કોઈ એક એડ્રેસ ભી યદી જિંદગી મેં નહીં રખાય તો ફિર તો હમારા બચના બહુ મુશ્કિલ હૈ। માયાના પ્રકરણમાં એક વાક્ય કરું અને પછી આપણે આગળ ચાલીએ, લોભ કરવો છે। ઘણી વાર એમ થાય કે આપણને કોણ બચાવશે, એને એક નાનકડું સૂત્ર આપી દઉં, કમસે કમ અહીંયા સુધી પહોંચી જાઓ, જેને આપણે આપણા જીવનના પથ દર્શક બનાવીએ એની સામે આપણે પારદર્શક બની જવું, જેને આપણા જીવનના આપણે પથ દર્શક બનાવવા માંગતા હોઈએ કમસે કમ એની સામે પારદર્શક બની જવું, ટ્રાન્સપરન્ટલી। ગુરુદેવ આખી દુનિયામાં મને જે માંગતી હોય તે આપની આગળ સાહેબ આવો છું, આપને જે મારો ઈલાજ કરવો હોય તે કરો, તો બચવાના ચાન્સ છે। પારદર્શકતા એ સરળતા છે અને કુટિલતા એ માયા છે, આ માયા સાથે આપણે બચી નહીં શકાય। લો માયા પાપ સ્થાનક નિવારણ પૂજા, પેજ ક્રમાંક 20। આ પાપમય સંસાર છોડી શ્રવણ હું ક્યારે પણ, બધાને વિનંતી છે કે સાથે ગાજો। જગત ને
गम आंसू आहे। सोनी सोनी निगाहें ये सभी कब से स्वामी देखते तेरी राहें। दर्द गम आंसू बता साथे गाओ छो ने रिश्तों में दर्द गम आंसू आहे। सुनी सुनी निगाहें ये सभी कब से स्वामी देखते तेरी राहें। रंग अलग मंदिरों में रंग अलग महफिलों में मैं बराबर फंसा हूँ माया की जंजीरों में माया की जंजीरों में। दर्द गम आंसू सुनी सुनी निगाहें ये सभी कब से स्वामी देखते तेरी राहें। दर्द गम आंसू आहे। दुर्गुण छुपाने मान सम्मान पाने क्या क्या करता हूँ स्वामी ये सभी तू तो जाने ये सभी तू तो जाने। दर्द गम आंसू आहे सुनी सुनी निगाहें। ओम
ओम रीम श्रीम परम पुरुषाय परमेश्वराय माया पाप स्थानक निवारणाय श्रीमते जिनेश्वराय जलम चंदनम पुष्पम धूपम दीपम अक्षतम नैवेद्यम फलम यजामहे स्वाहा।